चलिए गुड इवनिंग एवरीबॉडी क्या आप सभी को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है यस सर चलिए तो मेरे सभी को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है अपने लेक्चर को स्टार्ट करते ठीक है चल तो आप देखेंगे लास्ट टर्न पे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था फाइंड द रिफ्लेक्शन और मिरर इमेज ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द लाइन मिरर ठीक है है क्वेश्चन में कह रहा है कि आपके पास एक लाइन है उस लाइन की दी है that is, 3x -4y +1 =0. इस लाइन पे क्या रख रख दीजिए दीजिए एक मिरर ठीक है या फिर इस लाइन को एज ए मिरर कंसीडर करिए और अगर आप इस लाइन को एज ए मिरर कंसीडर कर रहे हैं तो इस पॉइंट का आपको क्या करना है इस लाइन को मिरर समझते हुए इस पॉइंट का क्या करना है इमेज निकालना है ठीक है मिरर इमेज या फिर इमेज निकालना है कि इस पॉइंट की अगर मैं इस लाइन को मिरर कंसीडर करूंगा तो इसकी इमेज क्या बनेगी उसी को हम लोग जनरली क्या बोलते हैं रिफ्लेक्शन बोलते हैं ठीक है और आगे चल के हम लोग जो है इसका एक फार्मूला भी निकालेंगे या फिर एक फार्मूला निकालेंगे उस फार्मूले से डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे किसी भी पॉइंट का किसी लाइन के रेस्पेक्ट में अगर रिफ्लेक्शन या फिर मिरर इमेज निकालना है तो उस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो मिरर इमेज होंगे उसके कोऑर्डिनेट हम लोग डायरेक्टली फार्मे से निकालेंगे ठीक है लेकिन आज हम लोग अभी फार्मूला नहीं पढ़ रहे हैं आज हम लोग बेसिक तरीके से इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कर रहे हैं जितना अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है उसी पे बेस्ड अभी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ ठीक है और ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में कई बार पूछा जा चुका है ठीक है तो सोल्यूशन को करना स्टार्ट है करते हैं बेसिक प्रॉपर्टीज लगेंगी उनको आपको मालूम होना चाहिए ठीक है तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं नाउ दिस इज द लाइन ठीक है ये आपके पास एक लाइन है और इस लाइन की इक्वेशन आपको दी है ये आपके पास लाइन है दिस इज द लाइन ये मैंने एक लाइन बना दी ठीक है दिस इज योर लाइन और इस लाइन की जो इक्वेशन है वो कितनी दी है थ्री एक्स माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो

थ्री ठीक है पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है is, 1, 3. इस लाइन को मिरर कंसीडर करते हुए इस इस पॉइंट का मिरर के रिस्पेक्ट में इमेज निकालना ठीक है तो पॉइंट आपका जो दिया है इस पॉइंट को मान लेते हैं पी जिस पॉइंट की आपको मिरर इमेज निकालनी है ठीक है इस पॉइंट को मान लेते हैं पी जिस पॉइंट पी और इसके कोऑर्डिनेट दिए हैं वन कॉमा माइनस थ्री और बेटा आपको क्लियर होना चाहिए कि इस पॉइंट का जब इस लाइन को मिरर करते हुए जब इमेज निकालेंगे तो इस पॉइंट की इमेज यहां कहीं बनेगी क्या मेरी बात क्लियर है इस पॉइंट की मेरे ख्याल से स्क्रीन रुक गई है थोड़ा सा ठीक है मैं फिर से शेयर करता हूं एक मिनट रुकिएगा चलो तो आप क्या करेंगे इस लाइन को मिरर मानते हुए जब आप इस पॉइंट की इमेज निकालेंगे तो इस पॉइंट की इमेज यहां कहीं बनेगी तो मैं मान लेता हूं पॉइंट पी की जो इमेज है वो पॉइंट क्यू है, ठीक है और जो इमेज होगी वो यहां कहीं बनने वाली है ठीक है पॉइंट की जो इमेज होगी वो यहां कहीं नीचे बनेगी और दैट इमेज को इस पॉइंट पी की जो इमेज है उसको मैंने दैट इज क्यू क्यू क्या है पॉइंट पी का क्या है दैट इज मिरर इमेज है ठीक है पॉइंट पी का मिरर इमेज मैंने माना क्या है क्यू है ठीक है और इस क्यू पॉइंट के ही आपको कोऑर्डिनेट निकालने तो लेट कर लेते हैं पॉइंट क्यू के जो कोऑर्डिनेट होंगे ठीक है दैट इज एच कॉमक के मान लेते हैं एच कॉमा के ये मैंने लेट किया दिस इज द लेट तो लिख भी देता हूं मैं ठीक है यहां पर लिख देता हूं जो पॉइंट क्यू है दैट इज लेट पॉइंट द्यू जिसके कोऑर्डिनेट मैंने क्या माने एच कॉमा के इज द मिरर इमेज इज द मिरर इमेज मिरर इमेज ऑफ पॉइंट पी पॉइंट क्यू आपके पॉइंट पी का क्या है मिरर इमेज है और पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट आपको मालूम है है ठीक अगर बेटा पॉइंट पी आपका पॉइंट क्यू आपका पॉइंट पी का मिरर इमेज है तो बेटा इस लाइन से डेट इज आपके इस पॉइंट पी की जो डिस्टेंस होगी ठीक है इस लाइन से पॉइंट पी की जो डिस्टेंस होगी

लाइन से डिस्टेंस और पॉइंट क्यू की लाइन से डिस्टेंस बराबर होगी अगर ये दोनों डिस्टेंस लाइन से बराबर है तो बोल सकते हैं ये जो पॉइंट होगा ये आपका जो है दैट इज क्यू लेंथ का मिड पॉइंट होगा अगर ये दोनों डिस्टेंस बराबर है तो दैट इज दिस पॉइंट इज नथिंग बट द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू लेंथ ठीक है पी क्यू हमारे पास लेंथ है इसका ये मिड पॉइंट होगा ठीक है तो दिस इज नथिंग बट द मिड पॉइंट नगरे मिड पॉइंट है तो मैं इसको पॉइंट m से रिप्रेजेंट करूं। तो पॉइंट m क्या है इस क्वेश्चन में पॉइंट m मेरा क्या है दैट इज नथिंग बट द मिड पॉइंट दिस इज पॉइंट m क्या है मिड पॉइंट ऑफ pq ये जो मेरे पास pq लेंथ है उसका मिड पॉइंट क्या है पॉइंट m तो आप देखेंगे अगर आपको पॉइंट p और पॉइंट q का दैट इज मिड पॉइंट m है तो मिड पॉइंट एम के आप कॉर्डिनेट निकाल सकते हैं क्योंकि आपको पॉइंट 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 और Q के के मालूम है तो M के जो वो क्या हो जाएगा बेटा एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू एंड वाई वन प्लस वाई टू बाई टू और आप देखेंगे जो पॉइंट M है वो इस लाइन पे क्या कर रहा है लाई कर रहा है अगर पॉइंट M आपका इस लाइन पे लाई कर रहा है तो पॉइंट M के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो इस लाइन की इक्वेशन को क्या करेंगे सेटिस्फाई करेंगे जो कि कोई भी पॉइंट अगर किसी कर्व पे लाई करता है तो उस कर्व की इक्वेशन को हमेशा क्या करता है सेटिस्फाई करता है ठीक है तो यहां पर मैं लिख देता हूं दैट इज नथिंग बट द पॉइंट एम दैट इज पॉइंट एम Point M H lies on the line, H lie on the line that is line K equation 3x minus y plus 1 equal to 0. So that, so that point M, coordinate of point M, so that. So that the coordinate coordinate of point M will satisfy will satisfy the equation of line equation of line. तो आप जो है पॉइंट एम का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो लाइन में एक्स कोऑर्डिनेट की एक्स की जगह रख देंगे और जो है पॉइंट एम का जो वाई कोऑर्डिनेट है उसको आपके लाइन में वाई की जगह रख देंगे ठीक है तो सेटिस्फाई कराने जा रहा हूं दैट इज थ्री एक्स की जगह कितना रखेंगे वन प्लस एच बाई टू और वाई की जगह क्या रखेंगे दैट इज पॉइंट एम का वाई कोऑर्डिनेट माइनस थ्री प्लस के डिवाइडेड दो अनोन है H और K तो दो इक्वेशन बनानी पड़ेगी पहली इक्वेशन बना रहे ठीक है, है क्या हो गया बेटा <laughs> क्या किसी को दिक्कत है क्या चलो तो नाउ दिस इज नथिंग बट द एलसीएम ले लेते हैं और तीन को यहां पर मल्टीप्लाई कर करें तीन को मल्टीप्लाई करें माइनस के यहां मल्टीप्लाई करो नाउ दिस इज थ्री प्लस थ्री एच प्लस तीन माइनस के प्लस टू इक्वल टू जीरो तो यहां से आ जाएगा थ्री नाउ दिस इज द इक्वेशन 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 नंबर और और में एक एक बन गई आपको और बनानी पड़ेगी तब उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आप एच और के वैल्यू क्या कर लेंगे निकाल लेंगे ठीक है तो यहां तक मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि आपका जो है जो पॉइंट क्यू है वो पॉइंट पी की क्या है मिरर इमेज है तो मिरर इमेज या फिर जो इमेज होती है जितना आपका जो है दैट इज मिरर से पॉइंट पी की डिस्टेंस होगी उतनी ही पॉइंट क्यू की डिस्टेंस होगी ये दोनों डिस्टेंस बराबर है तो ये जो पॉइंट होगा दैट इज नथिंग बट द उसकी पॉइंट पी से और उसकी पॉइंट क्यू से डिस्टेंस बराबर है अगर डिस्टेंस बराबर है तो दैट इज is... इन नथिंग बट द दिस पॉइंट इन नथिंग बट द मिड पॉइंट ऑफ PQ PQ का ये मिड पॉइंट है अगर मिड पॉइंट है तो P और Q के कोऑर्डिनेट मालूम है तो पॉइंट M के या फिर मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे और चूंकि पॉइंट M इस लाइन पे लाई कर रहा है तो इस लाइन की इक्वेशन को क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा उसको मैंने क्या भी कर दिया सेटिस्फाई भी करा दिया ठीक है इतनी बात समझ में आती है दूसरा चीज आपको दिखना चाहिए कि आपका जो है दैट इज ये जो आपके पास लाइन है ये जो गिवन लाइन है गिवन लाइन और ये PQ लाइन है क्या इनके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा क्योंकि मिरर इमेज है पी की बिल्कुल सीधे इसकी इमेज बनेगी तो आपका ये जो गिवेन लाइन है गिवेन लाइन और पी क्यू लाइन इन दोनों के बीच कहेंगे कितना होगा नाइनटी डिग्री कॉमन सेंस दिख रहा होगा ठीक हैडिकुलर है, होंगी ठीक है दिस इज नथिंग बट दाइनटी डिग्री और बेटा दो परपेंडिकुलर लाइन के जो स्लोप होते हैं उनके जो प्रोडक्ट होता है और स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है वो माइनस वन के बराबर होता है तो आप देखेंगे आपको जो है ये जो मेन लाइन दी है ठीक है इस लाइन का स्लोप आप निकाल सकते हैं और आप पी क्यू लाइन के आपका जो पीक्यू लाइन है इन दो पॉइंट से होके जा रही है तो दो पॉइंट से होके जाने वाली लाइन का स्लोप भी निकाल सकते हो दोनों का स्लोप निकाल लेंगे जो कि दोनों परपेंडिकुलर है तो दो परपेंडिकुलर लाइन के स्लोप का जो प्रोडक्ट है वो माइनस वन के बराबर में कर दूंगा ठीक है चलो तो यहां से हम लोग देखने वाले हैं चूंकि मैं लिखने जा रहा हूं चूंकि पी क्यू एंड गिवेन लाइन गिवेन लाइन जो गिवेन लाइन है और जो पी क्यू लाइन है वो दोनों कैसी है परपेंडिकुलर सो दैट सो दैट स्लोप ऑफ पी क्यू लाइन एंड स्लोप ऑफ स्लोप ऑफ गिवेन लाइन दो परपेंडिकुलर लाइन के स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है वो माइनस वन होता है ठीक है दिस इज नट द माइनस वन चलो पी क्यू लाइन का स्लोप निकालते हैं पी क्यू लाइन का स्लोप स्लोप ऑफ पी क्यू लाइन ठीक है पी क्यू लाइन का स्लोप में निकालने जा रहा हूं तो पी क्यू लाइन आपकी दो पॉइंट से होकर जा रही है ठीक है पी क्यू लाइन दो पॉइंट से होकर जाए तो स्लोप क्या होगा वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन ठीक है तो दिस इज नथिंग बट द

थ्री एक्स माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो वाई बराबर है वाई को हम लेफ्ट साइड पे लाएंगे लाइक दिस और कंपेयर करेंगे तो गिवन लाइन का जो स्लोप है स्लोप ऑफ गिवन लाइन दैट इज इक्वल टू थ्री ठीक है ये स्लोप आपका आ जाएगा ठीक है दोनों वैल्यू को यहां पर रख देते हैं और रखने के बाद हम लोग यहां से आपका एक रिलेशन एच और के में निकल क्योंकि आपका पी क्यू लाइन का स्लोप एच और K में है ये सेंटर में तो यहां से एक और रिलेशन एच और के में आ जाएगा ठीक है तो PQ का कितना है दिस इज नथिंग बट द थ्री और चूंकि दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो दोनों लाइन के स्लोप का जो प्रोडक्ट है वो माइनस वन है उसको मैंने माइनस वन कर दिया अब यहां पर मैं क्या कर इसको मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊज तो नाइन के हाइज थ्री के थ्री के प्लस नाइन इज इक्वल टू माइनस एच प्लस वन तो यहां से एच प्लस थ्री के ठीक है एच को मैं इधर ले आया दिस इज अच्छा यहाँ पर जो इक्वेशन बनी थी यहां पर देखिए के की वैल्यू मैं निकाल लेता हूँ या फिर किसकी वैल्यू निकालना आसान है निकालनाच की वैल्यू निकालना की वैल्यू निकाल के यहां पर रख देता हूँ तो आपका के में एक रिलेशन बन जाएगा ठीक है तो यहाँ से मैं लिख रहा दिस इज नथिंग बट दिस इज इक्वेशन नंबर टू एच और के में एक और इक्वेशन आ गई लेकिन यहां से मैं किसकी वैल्यू निकाल रहा हूं दैट इज एच की वैल्यू निकाल रहा हूं नाउ यू कैन बी फाइंड द वैल्यू ऑफ एच एच की वैल्यू निकालेंगे तो एच को इधर ले आते हैं और बाकी सबको इधर ले आते हैं तो दिस इज माइनस थ्री के एंड दैट ठीक है नाउ दिस बस इस H की वैल्यू को रखिए ऊपर ठीक है ऊपर रख रहे हैं यहां पर यहां पर मैं एच की वैल्यू को रख रहा हूं तो दिस इज नथिंग बट द्री इक्वेशन नंबर वन क्या थी इक्वेशन नंबर वन वो थी थ्री एच माइनस के प्लस आठ इक्वल टू जीरो और यहां पर इस एच की वैल्यू को रख दीजिए तो दिस इज नथिंग बट थ्री माइनस के माइनस एट माइनस के प्लस आठ इक्वल टू जीरो तो दिस इज माइनस नाइन के माइनस आठ तक चौबीस माइनस के प्लस आठ इक्वल टू जीरो तो दिस इज माइनस टेन के एंड दिस इज माइनस सिक्सटीन इक्वल टू जीरो तो के की वैल्यू आ जाएगी माइनस सिक्सटीन बाई टेन एंड इक्वल टू माइनस दो से डिवाइड कर देते हैं तो आपके पास आ जाएगा आठ बटे पांच एच की वैल्यू आ गई आपके पास माइनस आठ बटे पांच के की वैल्यू आपके पास आ गई दट इज माइनस आठ बटे पांच इस के वैल्यू को यहां पर रखिए रिलेशन <laughs> है एच इज इक्वल टू है माइनस थ्री के माइनस एट बस यहां पर रख दीजिए के की वैल्यू को तो एच की वैल्यू आ जाएगी और एच की वैल्यू आते ही आपको जो है दैट इज पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट मालूम चल जाएंगे जो कि मिरर इमेज है पॉइंट पी का नाउ दिस एज थ्री माइनस एट बाई फाइव माइनस के एट तो दिस दिसगा माइनस दिस इज प्लस ट्वेंटी फोर डिवाइडेड बाई फाइव माइनस एट यहां से एच की वैल्यू आ जाएगी ट्वेंटी फोर माइनस फोर्टी डिवाइडेड बाई फाइव तो एच की वैल्यू आ जाएगी माइनस सोलह बटे पांच तो पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट आपके पास आ जाएंगे जो कि पॉइंट क्यू का इमेज इजर वही निकालना था तो, तो इज कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्यू जो कि क्या थे बेटा एच और के और एच की वैल्यू आ रही है माइनस सिक्सटीन बाई फाइव और बेटा के की वैल्यू आ रही है माइनस एट बाई फाइव माइनस एट बाई फाइव और यही आपका आंसर होगा दिस इज योर आंसर दिस इज नथिंग बट द मिरर इमेज ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू द लाइन ठीक है <laughs> मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और हमेशा जब भी मिरर इनर इमेज का क्वेश्चन है तो आप इस मेथड को यूज कर सकते हैं लेकिन जब हम लोग जो है फार्मूला पढ़ लेंगे तब हम इस मेथड को यूज करेंगे नहीं लेकिन जनरली आपका जो है जो मेथड यूज किया जा सकता है वो मैंने आपको बता दिया ठीक है, है? चलो नेक्स्ट बात कर रहे हैं इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू लाइंस दो लाइन या फिर किन्हीं भी दो कर्व के बीच का अगर आपको इंटरसेक्शन पॉइंट अगर दो कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो वो इंटरसेक्शन पॉइंट कितना होगा वो कैसे निकालते हैं ठीक है उसके बारे में बात करते हैं सारी चीजें मैं आपको वन बाय वन करके बता रहा हूं और देखेंगे जब सारी चीजें हो जाएंगी तो सारी चीजें आपके अप हो जाएंगे ठीक है क्योंकि हर जगह कैलकुलस वेल्कुलस में जब भी हम लोग जो है एरिया अंडर द कर पढ़ेंगे या फिर दाब बनाएंगे तो हमें देखना होगा कि कोई भी कर्व एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस को कहां पर कट करता है तो उस इंटरसेक्शन पॉइंट या फिर कटिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं ठीक है चलिए तो मेरे ख्याल से हो गया होगा नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए दैट इज इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू लाइन मैंने लाइन लिखा है लेकिन एक कर्व के लिए भी वैलिड होगा दो लाइन अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है ठीक है एक दूसरे को कट कर रही है तो उस इंटरसेक्शन पॉइंट या फिर कटिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं तो मैं दो लाइन ले लेता हूं ठीक है आई कैन भी कंसिडर टू लाइन आपके पास लाइन वन है और ये आपके पास लाइन टू है ठीक है लाइन वन ये आपके पास लाइन वन है और ये आपके पास लाइन टू है और ये दोनों लाइन एक दूसरे को दैट इज पी पॉइंट पे क्या कर करेंगे इंटरसेक्ट कर रही है पी पॉइंट पे क्या कर करें इंटरसेक्ट कर रही है और इस पॉइंट पी या फिर इंटरसेक्शन पॉइंट के क्वारिनेट निकाले तो जरा इसको कॉमन सेंस से देखेंगे कि आपका जो पॉइंट पी होगा पॉइंट पी आपका लाइन वन पे भी लाई करेगा पॉइंट पी आपका लाइन वन पे भी लाई कर रहा है और पॉइंट पी आपका लाइन टू पे भी लाई कर रहा है ठीक है तो आप देखेंगे अगर कोई भी पॉइंट किसी लाइन पे लाई करेगा तो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा क्योंकि पॉइंट पी मेरा लाइन वन में भी लाई कर रहा है लाइन टू पे भी लाई कर रहा है तो पॉइंट मेरा लाइन वन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा और लाइन टू की भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा मतलब पॉइंट पी मेरा दोनों लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा एक साथ दोनों लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे दोनों लाइन की

मेरे पास x और y की दो वैल्यू आ जाएंगी और x और y की जो दो वैल्यू आएंगी वो इक्वेशन नंबर वन को या फिर आपके पहले कर्व की भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी और दूसरे कर्व की भी क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेंगी तो हमेशा याद रखेगा जब भी आपको दो लाइन के बीच का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना होता है तो हम उन दोनों लाइन की इक्वेशन को साइमल्टेनियसली क्या कर लेते हैं आपका सॉल्व कर लेते हैं और सोल्व करने के बाद जो एक्स और वाई आते हैं वही आपके इंटरसेक्शन पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं तो यहां पर मैं लिख लेता हूं ठीक है तो लिख रहा हूं इसका मेथड क्या होगा इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने का मेथड क्या होगा मेथड अगर दो लाइन के बीच का इंटरसेक्शन दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो क्या करेंगे सॉल्व सॉल्व इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू इक्वेशन वन मैं किस बोल रहा हूँ लाइन वन की जो इक्वेशन वो इक्वेशन नंबर वन होगी और लाइन टू की जो इक्वेशन होगी सोल्व द इक्वेशन नंबर वन एंड इक्वेशन नंबर टू साइमल्टेनियसली एंड फाइंड find the value of value of x and y x and y and these x and y is nothing but the coordinate of the intersection point and these x and y and these value of value of x and y represent the रिप्रेजेंट था एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट ऑफ द इंटरसेक्शन पॉइंट और ये जो एक्स और वाई होंगे वही आपके इंटरसेक्शन पॉइंट के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट हो जाएंगे ठीक है तो क्वेश्चन इस पर लिख लेते हैं Now, take a one question. तो इसके बाद कहीं भी वो कॉन्सेप्ट यूज हो सकता है ठीक है जनरल बात करेंगे और ये चीज आपको समझनी होगी जो मैं बताने जा रहा हूं इस क्वेश्चन के बाद ठीक है इस क्वेश्चन के बाद हम आई आई टी का क्वेश्चन लेंगे उसमें जा रहा हूँ उसको समझना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विल भी दिया ठीक है क्वेश्चन फाइंड पहले एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट पे फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द लाइन ऑफ द लाइंस हैविंग द इक्वेशन हैविंग द इक्वेशन टू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू थ्री एंड एक्स प्लस टू वाई माइनस फाइव इक्वल टू जीरो पास दो लाइन है और इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट आपको निकालना है. जब भी दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है तो उन दोनों लाइन की इक्वेशन को आप साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लीजिएगा ठीक है दो तो पॉइंट आ जाएगा जो दोनों लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो तो दोनों लाइन की इक्वेशन को क्या करता है सेटिस्फाई कर देता है राइडर और वैकेंट अपने नाम से आया करो यार तुम लोग जो है नाउ दिस इज नाउ तो अगर इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है तो मैं इस दोनों लाइन की इक्वेशन को क्या करने वाला हूं साइमलटेनियसॉल्वर दिस इज द इक्वेशन नंबर वन इक्वेशन नंबर टू और इनको मैं क्या करने वाला आपस में सॉल्व करने वाले है सॉल्व करेंगे तो एक्स तो की वैल्यू आएगी माइनस टू वाई प्लस फाइव और इसको मैं इक्वेशन नंबर वन पे रख देता हूँ इक्वेशन नंबर वन पे रख देंगे तो पूरी इक्वेशन वाई में कन्वर्ट हो जाएगी नाउ दिस इज टू माइनस टू वाई प्लस फाइव माइनस वाई इज इक्वल टू थ्री तो माइनस के फोर वाई प्लस के टेन माइनस के वाई इज इक्वल टू थ्री तो माइनस के फाइव वाई उस साइड लेके जाते हैं तो या आ माइनस के सात तो यहां से वाई की वैल्यू आ जाएगी सात बटे पांच वाई की वैल्यू आ जाएगी सात बटे पांच इस वाई की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर टू पर रख दीजिए यहां से एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहां से एक्स की वैल्यू आएगी दिसेज x इज इक्वल टू माइनस टू सात बटे पांच प्लस पांच तो x इक्वल टू आ जाएगा माइनस फोर्टीन प्लस पांच तो x इक्वल टू आ जाएगा माइनस प्लस ट्वेंटी फाइव डिवाइडेड बाई फाइव तो x इज इक्वल टू आ जाएगा ग्यारह बटे पांच तो इन दोनों लाइन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा ठीक है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्वारिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज ना एक्स क्वार होगा इलेवन बाई फाइव एंड देट इज वाई क्वार होगा सेवन बाई फाइव ठीक है दिस इज सेवन बाई फाइव और अगर आप फिगर बनाना चाहें तो फिगर भी बना सकते हैं ये दो लाइन है और ये दोनों लाइन एक दूसरे को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी उसके कॉर्डिनेट आपके पास है लाइन वन इस लाइन की इक्वेशन क्या थी दिसनस वाईक्वल टू थ्री और ये लाइन टू थी और इस लाइन की इक्वेशन क्या है एक्स प्लस टू वाई माइनस फाइव इक्वल टूरो और ये दोनों लाइन मान लेते हैं किस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट पॉइंट पी पे और पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट होंगे इलेवन बाई फाइव कॉमा सेवन बाई फाइव ठीक है चलिए अब एक सर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वाला हो तो कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं बस ना एक मिनट नहीं ऐसा नहीं है कस्तूक लीनियर इक्वेशन का नहीं है ठीक है अगर मान लीजिए एक कर्व होता कट करता है तो X की क्या होती है बेटा वाई इक्वल टू जीरो हम क्या करते हैं कि दो कर्व के बीच का इंटरसेक्शन पॉइंट अगर आपको निकालना है तो दोनों कर्व की इक्वेशन को आपस में सॉल्व कर लेते वाई की वैल्यू यहाँ पर जी... क्या कर दीजिए y की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिए तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी जीरो मतलब ये जो आपका जो पैरा बोला होगा जब बनाएंगे तो ये आपका x एक्स को कहा पर कट करेगा जीरो कॉमा जीरो ऐसा कुछ पैरा बोला बनेगा अपवर्ड पैरा बोला ठीक है ऐसे ऐसे सॉरी फॉर दैट यस सर दिस इज ये आपका x एक्सेस को जीरो कॉमा पे कट करेगा ठीक है दो से ज्यादा पॉइंट होंगे तो भी आ जाएंगे ठीक है तो ये मैं लाइन के लिए लिखा हूं लेकिन ये जो चीज मैंने बताई है ये किसी भी कर्व के लिए अपीलिकबल है कि दो कर्व एक दूसरे को अगर दो कर्व के बीच का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है तो हम क्या करते हैं दोनों कर्व की इक्वेशन को दोनों कर्व की इक्वेशन को साइमल्टेनियसली क्या कर लेते हैं सॉल्व कर लेते हैं और सॉल्व करने के बाद एक बार पॉइंट आएगा तो एक जगह पे इंटरसेक्शन होगा दो पॉइंट आएंगे तो दो इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे तीन पॉइंट आएंगे तो तीन इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे ठीक है चलो नेक्स्ट हम लोग आई आई टी का उठा रहा हूं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और यह चीज हमें कराऊंगा ठीक है, करा है? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिये आई आई टी एडवांस क्वेश्चन है ये और ये चीज जो है शुरुआत से लेके लास्ट तक इस चीज को मैं कभी भी यूज कर सकता हूं और कब इसको जो है यूज करना है ये चीज प्रैक्टिस से ही आपको आएगा लेकिन सिचुएशन अगर ऐसी दी है तो हमेशा ये चीज आपको करना होगा जो मैं इस क्वेश्चन में आपको सिखाने जा रहा हूं लिखिए फाइंड ऐसा नहीं कि जो कॉन्सेप्ट है वो लाइन में यूज होगा कहीं भी यूज हो सकता है शुरुआत से लेकर लास्ट तक कहीं भी क्वारिनेट जोमेट्री में फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन आपको लाइन की इक्वेशन निकालनी है पासिंग थ्रू पासिंग थ्रू पासिंग थ्रू द पॉइंट पासिंग थ्रू द पॉइंट पासिंग थ्रू द पॉइंट और पॉइंट के कोऑर्डिनेट है माइनस वन कॉमा टू आपको एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है और वो लाइन एक पॉइंट से पास कर रही है इसलिए जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको दिए माइनस वन कॉमा टू एंड एंड कटिंग इंटरसेप्ट एंड कटिंग इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ टू ठीक है जो इंटरसेप्ट कट हो रहा है उसकी लेंथ दी है लेंथ लेंथ ठीक है अगर केवल इंटरसेप्ट दिया होता है तो लेंथ विद साइन होता है लेकिन अगर केवल लेंथ दिया मतलब मैग्नीट्यूड के बारे में बात करें डिस्टेंस के बारे में बात करें लेंथ का मतलब डिस्टेंस होता है ठीक है एंड कटिंग intercept of length two length two between 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 the line <coughs> Y plus two X is equal to five and वाई प्लस टू एक्स इज इक्वल टू सेवन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्वेश्चन लिखे पहले मैं आपको समझाता हूं कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा हूं अभी मैं आपको केवल और केवल कॉन्सेप्ट समझा पे कंसंट्रेट करो मैं क्वेश्चन करवाऊंगा लेकिन जो कॉन्सेप्ट मैं समझा रहा हूँ अभी कुछ क्वेश्चंस के से समझा रहा हूँ लेकिन अभी बहुत सारे क्वेश्चंस मैं लूंगा अभी ठीक है पहले कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस हो जाए उसके बाद हम लोग कॉर्डिनेट ज्योमेट्री के काफी सारे क्वेश्चन लेंगे एडवांस के भी कई सारे फॉर्मेट हम लोग देखेंगे ठीक है वो जो फॉर्मेट में बता रहा हूँ उन्हीं में से क्वेश्चन आएगा ठीक है जो भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में कॉर्डिनेट जोमेट्री में जितना पढ़ा रहा हूँ मोस्ट ऑफ द कोऑर्डिनेट के क्वेश्चन उन्हीं कॉन्सेप्ट में से डिस्कस कर लिए जाएंगे चलो हाँ यहां पर देखो क्या बोल रहा है कि आपके पास एक लाइन की इक्वेशन बतानी है वो लाइन आपके इस पॉइंट से पास कर रही है और इन दो लाइन के बीच में ये जो लाइन है जिसकी इक्वेशन बतानी कितने लेंथ का इंटरसेप्ट कट कर रही है टू यूनिट का इंटरसेप्ट कर रही है आप जरा ध्यान से देखें यहां पर ये दोनों लाइन जो दी है ठीक है ये लाइन और ये लाइन आपकी पैरल लाइन है मुझे कैसे मालूम चले पैरा लाइन है जब भी आपको लाइन दी होगी तो एक बार उनको चेक कर लीजिएगा कैसी लाइन है उसका कोई यूज नहीं होने वाला है लेकिन इतनी बात आपको पहले क्लियर समझ में आनी चाहिए आप इस लाइन का स्लोप निकालिए वाई बराबर एमएक्स प्लस सी से तो इसको जब उधर लेके जाएंगे तो इसका स्लोप माइनस टू है और इस लाइन का स्लोप भी आपका वाई बराबर प्लस सी से निकालेंगे तो स्लोप है माइनस टू और अगर लाइन का स्लोप बराबर है तो लाइन कैसी होती? होती है पैरल लाइन होती है क्वेश्चन में कहीं भी इसका यूज नहीं है लेकिन ये चीज आपको आगे के लिए मैं बता रहा हूं कि यह चीज आपको देखते ही क्लियर होनी चाहिए जब भी लाइन दी होंगी तो क्या लाइन वो परपेंडिकुलर है कि आपका पैरल है ये चीज आपको देखते ही मालूम चल जाना चाहिए ठीक है यूज नहीं होने वाला क्वेश्चन में कोई दिक्कत वाली बात नहीं ठीक है तो दैट नथिंग बट द बल्यूशन के बाद में बात करूं ठीक है तो यहां पर आपके पास दो पैरल लाइन है अगर पैरल लाइन दी हो तो मैं पैरल लाइन ही बना रहा हूं ठीक है नाउ टू लाइन पैरल ये दोनों लाइन कैसी हैं? ठीक है, है? चलो पहली लाइन की इक्वेशन आपको दी है दैट इज वाई प्लस टू एक्स इज इक्वल टू फाइव और दूसरी लाइन की इक्वेशन है वाई प्लस टू एक्स इज इक्वल टू सेवन ठीक है ये दोनों लाइन पैरल है ठीक है ना, ये दोनों लाइन अब बोला गया है एक लाइन है जो कि इस पॉइंट से पास कर रही है इस इस पॉइंट पॉइंट से से पास कर है. है? से पास कर कर रही रही है 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 ठीक लाइन और इन दोनों लाइन के बीच में एक इंटरसेप्ट कट कर रही है जिसकी लेंथ टू यूनिट है ठीक है पहली बात क्लियर होनी चाहिए इस पॉइंट से पास करने वाली इनफाइनेट नंबर ऑफ लाइन होगी माइनस वन कॉमर टू माइनस वन कॉमर टू एक पॉइंट है और इस पॉइंट से लाइन को पास करना है और इन दोनों लाइन के बीच में एक इंटरसेप्ट कट करना है और उस इंटरसेप्ट ये आपका दोनों लाइन के बीच में इंटरसेप्ट होगा और इसकी लेंथ आपको टू यूनिट चाहिए तो आप देखेंगे ये जो पॉइंट है माइनस दैट इज वन कॉमा माइनस टू इससे इनफाइनाइट लाइंस पास होगी लेकिन आपको सारी लाइन की क्वेश्चन नहीं बतानी उस लाइन की क्वेश्चन बतानी है जो इस पॉइंट से पास हो और इन दोनों लाइन के बीच में कितने यूनिट का इंटरसेप्ट कट करे टू यूनिट का तो उस लाइन को ढूंढ के उस लाइन की इक्वेशन बतानी है ठीक है सारी लाइनों की इक्वेशन नहीं बताई क्योंकि आपका जो पॉइंट है इससे तो आएंगी और ये जो इन फाइनेट लाइन है वो आपके इन दोनों लाइन के बीच में इंटरसेप्ट कट करेंगी कुछ आपका दो यूनिट का होगा कुछ तीन का होगा कुछ चार का होगा कुछ पांच का होगा लेकिन हमें उस लाइन की इक्वेशन बतानी है जो कितना यूनिट का इंटरसेप्ट कट करेगी दो यूनिट का इंटरसेप्ट करेगी ठीक है तो मैं क्या कर रहा हूं मुझे उस लाइन की क्वेश्चन बतानी है जो इस पॉइंट से पास हो तो इस पॉइंट को भी दिखा देता हूं यहाँ पर दिस इज़ द पॉइंट पी, ठीक है ठीक है दैट इज माइनस वन कॉमन टू ठीक है इस पॉइंट से पास करे लाइन और इन दोनों लाइन के बीच में इंटरसेप्ट भी कट करे ठीक है तो मैं लाइन बना देता हूं ये जो लाइन है वो इस पॉइंट से पास कर रही है और ठीक है और ये लाइन हो गई इस लाइन को मैं मान लेता हूं इज द लाइन ये लाइन आपका इस पॉइंट से पास हो रही है और इन दोनों लाइन के बीच में ये जो इंटरसेप्ट करके मान लेते हैं जो लाइन है इज द लाइन इसी लाइन की इक्वेशन इसको मैं लिख देता हूं दिस द लाइन ठीक है ये लाइन है ये लाइन आपका इस पॉइंट से पास हो रही है और ये लाइन इस वाली लाइन को पॉइंट दैट इज ए पे कट कर रही है पॉइंट ए पे कट कर रही है और इस वाली लाइन को ये जो मेरे पास जिस लाइन की इक्वेशन ये लाइन इस लाइन को पॉइंट बी पे कट कर रही है और बोल रहा है ये जो लाइन है इस पॉइंट से पास हो रही है और इन दोनों लाइन के बीच में ये जो इंटरसेप्ट कट हो रहा है कौन सा इंटरसेप्ट कट हो रहा है ए बी इस इंटरसेप्ट की जो लेंथ है मतलब लेंथ ऑफ आपको टू दी है इस दोनों लाइन के बीच में ये जो इंटरसेप्ट कट हो रहा है बी इसकी लेंथ दी है कितनी दी है टू ठीक है ए बी लेंथ कितनी दी है टू आपको दिया ठीक है तो चलिए निकालते हैं यार इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है वो लाइन निकालनी है जो इस पॉइंट से पास करे और इन दोनों लाइन के बीच में दो यूनिट का इंटरसेप्ट कट करे तो वो लाइन मैंने मान ली ये लाइन है इसी लाइन की मुझे इक्वेशन निकालनी है मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा ठीक है चलो अच्छा ये बताइए इस लाइन ये ये जो लाइन है इस पॉइंट से पास हो रही है अगर मुझे इस लाइन का स्लोप मालूम चल जाए इस लाइन का किसी तरीके से स्लोप मालूम चल जाए तो मैं क्या करूंगा दैट इज स्लोप करके इस लाइन की equation को निकाल लूंगा क्या मेरी बात क्लियर है अगर मुझे किसी तरीके से इस पास हो रही है तो काम बन जाएगा तो मैं लेट कर लेता हूं इस लाइन का स्लोप कितना है एम अस कंसीडर क्योंकि अभी तो मुझे स्लोप पॉइंट फॉर्म ही मालूम है तो मैं वही यूज करूं इस लाइन का जो स्लोप है वो मैं लेट कर लेता लेट लेट स्लोप ऑफ लाइन इज नथिंग बट द एम मैंने इस लाइन के स्लोप को एम कंसीडर कर लिया ठीक है चलो जैसे ही मैंने इस लाइन का स्लोप एम कंसीडर कर लिया एक अननोन मैंने माना और एक अननोन को निकालने के लिए एक कंडीशन दी है ठीक है एक कंडीशन दी है एक अननोन को निकालने के लिए एक कंडीशन ठीक है अच्छा

उस लाइन का स्लोप मैंने एम माना और इस पॉइंट से पास कर रहे हैं तो स्लोपाइंट हम यूज कर रहे हैं ठीक है तो दट इज वाई माइनस वाई वन वाई माइनस वाई वन वाई वन की बेटा वैल्यू है टू इज इक्वल टू एम स्लोप एम है दैट इज एक्स माइनस एक्स वन दिस एक्स माइनस ऑफ एक्स वन तो यहां से क्वेश्चन आ जाएगी वाई माइनस टू इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ठीक है इक्वेशन बी अगर आप आपकी की, की है, है? इक्वेशन है और इस लाइन में M है, है? अब मैं क्या कर रहा हूं जो तो कंडीशन मुझे दी है ए बी लेंथ दी है तो मैं पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट निकाल पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे दैट इज पॉइंट ए क्या है दैट इज इस लाइन और मेन लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट तो मैं क्या करूंगा एक बार मैं इस को, इस लाइन लाइन को के साथ सॉल्व करूंगा और एक बार मैं इस को, इस लाइन लाइन को के साथ सॉल्व करूंगा ठीक है तो चलो टू एक्स दैट इज इक्वल टू फाइव इन दोनों को मैं क्या करूं कर रहा हूं सॉल्व करने के के बाद जो एक्स और वाई आएंगे वो किस पॉइंट कोऑर्डिनेट होंगे पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे ठीक है तो सॉल्व करने के लिए आप क्या करिए अगर मैं दोनों को घटा दूंगा तो वाई कट जाएगा तो आपका डायरेक्टली एक्स की वैल्यू आ जाएगी ठीक है तो नाउ दिस इज द इसको इक्वेशन नंबर वन मान लेते हैं इसको इक्वेशन नंबर टू मान लेते हैं आप इक्वेशन वन में इक्वेशन नंबर टू को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए देखिए में कैलकुलेशन के लिए तैयार रहिए कैलकुलेशन इज वन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ज्योमेट्री अभी जब क्वेश्चन करेंगे तो जो हमारे होंगे डबल और ट्रिपल भी हो सकते घबराना तो नहीं है क्वार्री में कैलकुलेशन तो होगा ही ठीक है नाउ नथिंग बट द वाई माइनस टू टू एक्स दैट इज नथिंग बट इक्वल टू एम एक्स प्लस वन इक्वेशन नंबर वन में मैंने इक्वेशन नंबर टू को घटा दिया जब घटा देंगे तो यहां से वाई से वाई कट जाएगा दिस इज माइनस टू दिस इज माइनस टू माइनस टू एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस एम माइनस फाइव इसको उधर ले जाइए और एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए तो है यहां से एक्स की वैल्यू आपके पास आएगी नाउ दिस इज नक्वल टू दिस इज थ्री माइनस एम थ्री माइनस एम डिवाइडेड बाई एम प्लस टू ये एक्स की वैल्यू आएगी एक्स की वैल्यू को आप किसी भी क्वेश्चन में रख दीजिए तो वाई की वैल्यू आ जाएगी ठीक है एक्स की वैल्यू को उठाइए और आप किसी भी क्वेश्चन में रख दीजिए तो वाई आ जाएगा ठीक है तो वाई में निकालने जा रहा हूं यहां से वाई प्लस टू थ्री माइनस एम प्लस एम प्लस टू दैट इज इक्वल टू फाइव तो यहां से आपके पास आ जाएगा वाई इक्वल टू फाइव माइनस टू थ्री माइनस एम डिवाइडेड बाई एम प्लस टू ले लेते हैं तो फाइव एम प्लस के टेन माइनस के सिक्स प्लस के टू एम डिवाइडेड बाई एम प्लस टू तो वाई की बेटा जो वैल्यू है वो आ जाएगी आपके पास सेवन एम प्लस फोर डिवाइडेड बाई एम प्लस टू ये आपकी वाई की वैल्यू आ जाएगी और एक्स वाई आने के बाद आपको पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट मालूम चल जाएंगे तो पॉइंट ए के जो कोऑर्डिनेट हैं एक्स कोऑर्डिनेट आएगा माइनस थ्री माइनस एम थ्री माइनस एम डिवाइडेड बाई एम प्लस टू और वाई कोऑर्डिनेट आएगा सेवन एम प्लस फोर होल डिवाइडेड बाई एम प्लस टू ये आप चेक कर सकते हैं ये आपके किसके कोऑर्डिनेट आ गए पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट आ गए इसी तरह आप जो है अपनी मेन लाइन को मेन लाइन को दैट इज इस लाइन के साथ सॉल्व करेंगे तो दैट इज पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे तो एक बार आप इसी तरीके से दैट इज मेन लाइन की इक्वेशन क्या है दिस इज वाई माइनस टू एम एक्स प्लस वन एंड दैट इज दूसरी लाइन क्या है वाई प्लस टू एक्स इज इक्वल टू सेवन इसको हम लोग इक्वेशन नंबर थ्री मान लेते हैं या फिर दिखे देशन नंबर वन और उसके इक्वेशन नंबर थ्री और इनको करेंगे तो पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट आएंगे इसमें भी मैं क्या करूं इक्वेशन वन में मैं इक्वेशन थ्री को सब ट्रैक कर दे रहा हूं ठीक है तो वाई माइनस टू माइनस वाई प्लस टू एक्स इज इक्वल टू एम एक्स प्लस वन माइनस सेवन यहां से y से y कट जाएगा ना दिसवल टू माइनस टू माइनस टू एक्स इज एम माइनस सेवन यहां से आपके x की वैल्यू जो होगी वो आपके पास आ जाएगी यहाँ प्लस हो जाएगा तो दिसव माइनस एम डिवाइडेड बाई एम प्लस टू फाइव माइनस एम डिवाइडेड बाई एम प्लस टू ये एक्स की वैल्यू आ जाएगी और इस एक्स की वैल्यू को आप किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे तो वाई की वैल्यू आ जाएगी

प्लस टू एम डिवाइडेड बाई एम प्लस टू ये आ जाएगा आपका जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो वाई की वैल्यू आ जाएगी दट इज नाइन एन प्लस फोर डिवाइडेड बाई एम प्लस टू ये आपके पास वाई की वैल्यू आ जाएगी तो आपके पॉइंट बी के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो हो जाएंगे बेटा एक्स कोऑर्डिनेट होगा फाइव माइनस एम डिवाइडेड बाई एम प्लस टू एंड दैट इज कोऑर्डिनेट होगा नाइन एम प्लस फोर डिवाइडेड अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे अभी इस क्वेश्चन में अभी तो मैं केवल आपको कैलकुलेशन बता रहा हूं मेरे ख्याल से पॉइंट ए और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट आपको मालूम चल गए और आपके पास एक ही अननोन है एम तो आप देखेंगे पॉइंट ए और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट में एक ही वेरिएबल वेरिएबल आया है और 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 एक variable, एक इक्वेशन सॉल्व करके हम लोग M की की वैल्यू निकाल निकाल सकते हैं। तो निकाल सकते हैं हैं तो पॉइंट 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 ए बी के के कोऑर्डिनेट दोनों डिस्टेंस डिस्टेंस कितने बराबर दी है टू तो और इज एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू का होल स्क्स इज एक्स टू तो एक्स वन की होल स्क्वायर प्लस y1- वन माइनस वाई टू का होल स्क्वायर नाउते थे माइनस नाइन एम प्लस फोर दट इज वाई वन माइनस वाई टू का होल स्क्वायर और पूरे का आप क्या ले लेंगे स्क्वायर रूट? ये डिस्टेंस हो गई और जो कि कितनी दी है टू ठीक है एक इक्वेशन एक कर लो इसको सॉल्व करके हम लोग क्या कर सकते हैं एम की वैल्यू निकाल सकते हैं दोनों साइड होल स्क्वायर करिए होल स्क्वायर बोथ द साइड बोथ साइड दोनों साइड होल स्क्वायर कर दीजिए होल स्क्वायर करेंगे तो एलसीएम ले लेते बेटा ना एलसीएम तो दिस इज नथिंग बट थ्री माइनस एम माइनस फाइव प्लस एम होल डिवाइडेड बाई एम प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस सेवन एम प्लस फोर माइनस नाइन एम माइनस फोर होल डिवाइडेड बाई एम प्लस टू का होल स्क्वायर और दोनों साइड होल स्क्वायर कर दिया तो ये फोर हो जाएगा नाउ दिस एज नथिंग बट कट जाएगा तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस टू तो माइनस टू मतलब फोर होल डिवाइडेड बाई एम प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस यहां पर आपके पास ये चार से चार कट जाएगा बेटा और यह आ जाएगा फोर एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम प्लस टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू फोर तो यहां से आपके पास आ जाएगा फोर प्लस फोर एम स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एम प्लस टू का होल स्क्वायर तो फोर प्लस फोर एम स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस

कई लोगों ने सोचा होगा कैलकुलेशन काफी टफ है कैलकुलेशन टफ नहीं है जो भी चीजें दी हैं उनको करना पड़ेगा आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर आप कैलकुलेशन से घबराएंगे तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी और जैसे ही स्लोप आ जाएगा वैसे ही आपकी लाइन की इक्वेशन आ जाएगी वैसे ही लाइन की इक्वेशन आ जाएगी ठीक है उस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी जो हमारे गिवन पॉइंट से पास हो रही थी पॉइंट आपके पास था माइनस वन टू और ये लाइन आपका जो है इन दो पैरल लाइन के बीच में कितने यूनिट का इंटरसेप्ट कट कर रही थी कितने यूनिट का कितने लेंथ का इंटरसेप्ट टू यूनिट का तो लाइन की जो इक्वेशन होगी इक्वेशन वो आपके पास जो इक्वेशन आपने लिखी थी दट इज y माइनस टू इज इक्वल टू एम एक्स प्लस वन एम की वैल्यू रख लीजिए यहां से M की रख देंगे, तो इक्वेशन आ जाएगी वाई माइनस टू इज इक्वल टू माइनस तीन बटे चार एक्स प्लस अगर आप इस... इसको सिंप्लीफाई करके लिखना चाहे तो लिख सकते हैं बट दिस इज द वन आंसर मैंने क्या बोला दिस इज द वन आंसर दिस इज योर आंसर जो है इसमें एक एक्स्ट्रा चीज सुननी है जो कि आपको शुरुआत से लेकर लास्ट तक आपको कहीं भी यूज होने वाली है लोगों ने आंसर निकाला और यहां बात आगे बढ़ गए लेकिन ये आपका अभी फुल्ली करेक्ट आंसर नहीं है फुल्ली करेक्ट आंसर नहीं है अब हमें कुछ बातें करनी पड़ेंगे ठीक है निशांत और कस्तूब समझाने में आसानी रहेगी ठीक है अब जरा इस क्वेश्चन में एक खास बात देखना है किसके साथ हम लोग खास बात सुनना है एम के साथ स्लोप के साथ एक खास बात होती है और वो खास बात क्या होती है समझिएगा देखिए <laughs> क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत है यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ कोई दिक्कत नहीं है अब देखो इस क्वेश्चन में क्या किया हमने ठीक है यहां पर हमने जो है जब भी हम किसी भी क्वेश्चन में स्लोप को एम मानेंगे ठीक है जब भी हम किसी भी क्वेश्चन में लाइन का स्लोप एम मानेंगे और यह बात अभी से लेकर लास्ट तक क्वारने ज्योमेट्री में वैलिड है जो मैं बताने जा रहा हूं जब भी मैं आपको स्लोप को एम मानूंगा ठीक है एम मानूंगा और एम मानने के बाद मैं अपनी क्वेश्चन को सोल्व करूंगा ठीक है अपनी क्वेश्चन को क्या करूंगा बेटा सॉल्व करूंगा तो सॉल्व करने के बाद एम की कैसी वैल्यू आएगी रियल वैल्यू आएगी कैसी वैल्यू आएगी रियल वैल्यू आएगी ठीक है क्या मेरी बात समझ में आ रही है जब भी आप क्वेश्चन में क्या करेंगे आप स्लोप को एम मानेंगे और यह चीज आप बोर्ड में नहीं सीखते हैं इसलिए आपके कई सारे आंसर आई के गलत हो जाते हैं सुनिएगा जब भी आप क्या करेंगे किसी भी लाइन का स्लोप एम मान लेंगे ठीक है आपने स्लोप क्या कंसीडर किया था एम कंसीडर किया था और एम कंसीडर करने के बाद आपने जो है इक्वेशन को सॉल्व किया था देखो इक्वेशन को मैंने सॉल्व किया था और सॉल्व करने के बाद सॉल्व करने के बाद इक्वेशन को आपने क्या किया सॉल्व किया सॉल्व किया सॉल्व करने के बाद हमेशा जब भी आप इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद एम की कैसी वैल्यू आएगी बेटा हमेशा रियल वैल्यू आएगी जब भी आप इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो रियल सोल्यूशन आपके पास आएंगे ठीक है दैट इज यहां पर M की वैल्यू क्या आ माइनस थ्री बाई फोर सोल्व करने के बाद एम की कौन सी वैल्यू आएगी रियल वैल्यू यू गॉट हमेशा जो है जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करके एम निकालेंगे तो एम की हमेशा रियल वैल्यू आएगी लेकिन ये बताओ आपके पास एक लाइन होती है जो कि वाई एक्स के पैरल होती है एक लाइन जो कि y एक्सेस के पैरल होगी उसका स्लोप कैसा होता है y एक्सेस के पैरल लाइन का स्लोप अनडिफाइंड होता है कैसा होता है अनडिफाइंड अगर कोई लाइन y एक्सेस के पैरल होगी तो उसका स्लोप कैसा होगा अनडिफाइंड होगा और अगर स्लोप अनडिफाइंड है तो क्या हम जो है सॉल्व करके क्या एम की उस वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं क्या क्योंकि जब भी हम आप जो है जब भी आप जो है इक्वेशन बना के एम की वैल्यू को निकालेंगे तो एम की हमेशा फाइनेट वैल्यू आएंगी कभी भी इनफाइनेट वैल्यू नहीं है अनडिफाइन का मतलब इनफाइनेट विल बी देयर, ठीक है? तो आप देखेंगे कि आपके पास जो है एम के साथ एक खास बात होती है जब भी हम इक्वेशन को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे सॉल्व करने के बाद एम की रियल वैल्यू आएगी वैल कभी भी अनडिफाइंड नहीं आएगी तो आप देखेंगे जो लाइन आपकी जो है वाई एक्सएस के पैरल होगी ठीक है जो लाइन वाई एक्सएस के पैरल होगी उसका स्लोप अनडिफाइंड होगा लेकिन क्या वो लाइन आपकी अनडिफाइंड होगी क्या लाइन तो अच्छी खासी होगी हेलो वाई एक्सएस के पैरल जो लाइन होती है उसका स्लोप अनडिफाइंड होता है लेकिन वो लाइन तो अच्छी खासी होती है ना क्या मेरी बात समझ में आ रही है तो वो लाइन तो अच्छी खासी होती है लेकिन उसका स्लोप अनडिफाइंड होता है तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी मैं स्लोप को मानूंगा और उसको एक से सॉल्व करूंगा तो आपके पास कभी भी स्लोप अनडिफाइन नहीं आएगा स्लोप अनडिफाइंड होने के बावजूद जो लाइन होगी वो एक अच्छी खासी लाइन होगी जो कि y एक्सिस के पैरेलल पैरल लाइन होगी ठीक है तो जब भी आप कैलकुलेशन करेंगे स्लोप मान के तो कौन सा बेटा एम छूट जाएगा अनडिफाइंड वाला m छूट जाएगा ठीक है अनडिफाइंड अनडिफाइंड जिस लाइन का स्लोप होगा वो यहां से कभी कैलकुलेट करने पे आएगा नहीं तो एक बार अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपको एक बार रीचेक करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा रीचेक अब मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं मैं चेक करूंगा क्या मेरे गिवन क्वेश्चन का क्या ऐसा भी कोई आंसर हो सकता है या फिर ऐसी भी कोई लाइन हो सकती है जो वाई एक्सएस के पैरल हो क्योंकि वाई एक्सएस के जो पैरल लाइन होगी उसका स्लोप अनडिफाइंड होगा जो इस कैलकुलेशन से कैलकुलेट हुआ नहीं होगा क्या मेरी बात क्लियर है मैं समझाने की कोशिश कर तो ध्यान सुनिए इस पॉइंट से इस पॉइंट से कई सारी लाइनें पास कर रही होंगी ये भी लाइन होगी यह भी लाइन होगी एक लाइन ऐसी भी तो होगी जो वाई एक्सएस के क्या होगी पैरल लाइन होगी वाई एक्सएस के अगर लाइन पैरल होगी तो यह भी इन दोनों लाइन के बीच में एक इंटरसेप्ट कट कर रही होगी क्या मेरी बात क्लियर है लेकिन क्या इसके स्लोप को आप जो है कैलकुलेशन हेल्प से कैलकुलेट कर पाए क्या कैलकुलेट नहीं कर पाए ये लाइन आपकी छूट गई है बाकी सारी लाइनों को आपने चेक कर लिया है जिनके स्लो फाइनाइट है लेकिन जिस लाइन जो लाइन आपकी वाई एक्सेस के अगर मैं क्वार एक्सेस बनाऊं तो एक लाइन इस पॉइंट से कई सारी लाइनें पास कर रही होंगी ठीक है उनमें से एक लाइन ऐसी भी होगी जो इस पॉइंट से पास करेगी और वाई एक्सेस के पैरल होगी तो हमें एक बार रीचेक करना पड़ेगा क्या ये जो लाइन है ये लाइन वाई एक्सिस के तो इसका स्लोप अनडिफाइंड है तो ये स्लोप तो कैलकुलेट हुआ नहीं है तो एक बार रीचेक करेंगे क्या ये लाइन आपकी जो है इन दोनों पॉइंट इन दोनों लाइन के बीच में क्या टू यूनिट का इंटरसेप्ट कट कर रही है अगर ये वाई एक्सिस के पैरला लाइन टू यूनिट का इंटरसेप्ट कट करेगी तो ये लाइन भी हमारे क्वेश्चन का एक आंसर होगी लेकिन अगर जो है वाई एक्सएस के पैरल लाइन जो कि इस पॉइंट से पास हो रही है वो दो यूनिट का इंटरसेप्ट नहीं कट करती तो इस लाइन को आपको क्या कर देना छोड़ देना तो आप हम कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं एक बार रीचेक कर रहे हैं क्योंकि जब भी हमने कैलकुलेशन करेंगे स्लोप मान के जब भी कैलकुलेशन करेंगे तो कौन सा स्लोप हमारा छूट जाएगा वो लाइन छूट जाएगी जिसका स्लोप क्या होगा

जिस लाइन का स्लोप कैसा होगा अनडिफाइन लाइन का स्लोप अनडिफाइंड होने के बावजूद वो वो लाइन 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 क्या होगी? करेगी और वो लाएं जिस लाएं का स्लोप आपका अनडिफाइंड होता है वो वाई एक्सिस के पैरल होती है तो आप देखेंगे कई सारी लाइने होंगी ठीक है जो कि इस पॉइंट से गुजर रही होंगी एक ये होगी एक ये होगी एक ये होगी और एक लाइन वाई एक्सएस के पैरल है ठीक है तो कैलकुलेशन में सारे स्लोप तो कैलकुलेट हो गए लेकिन क्या हमारा जो है जो लाइन तो इस, इस पॉइंट से पास हो रही है और वाई एक्सिस के पैरेलल है क्या ये लाइन भी आपका जो है इन दो लाइन के बीच में दो यूनिट का इंटरसेप्ट अगर इसमें दो यूनिट का इंटरसेप्ट कट किया होगा तो ये हमारे क्वेश्चन का एक आंसर और होगा और अगर नहीं कट किया होगा तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर तो तो नहीं होगा कैलकुलेशन में एक छूटा है और कौन सा स्लोप छूटा है जिसका जिस लाइन का स्लोप अनडिफाइंड होता है मतलब वो लाइन छूट गई है अभी हमने उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं निकाली है जो वाई एक्सएस के पैरल बाकी सारी लाइन जिनके स्लोप फाइनाइट है That is, उनके बारे में देख चुके हैं। जो लाइन से पास हो जिनके उनमें से एक ही है। जिसका रही है उसको बारे में भी कोई इंफॉर्मेशन है उसको चेक करेंगे ठीक है तो यहां नोट करके लिखे जाना पर ऐसा हमें कब कब करना होगा कस्तूब ये चीज हमें री चेकिंग कब कब करनी होगी <coughs> री चेकिंग कब कब करनी होगी जब जब हम क्वेश्चन में स्लोप एम मान के क्वेश्चन को करेंगे जब भी मैं अपनी तरफ से स्लोप एम मानूंगा तो कौन सा एम कैलकुलेट नहीं होगा उस लाइन का स्लोप कैलकुलेट नहीं होगा जो लाइन वाई तो वो छूट जाएगा वो अभी हमारा चेक नहीं होगा तो उसको रीचेक करना पड़ेगा तो ये हमेशा मेथड आपको अगर आपने क्वेश्चन में एम स्लोप मान लिया तो हमेशा रीचेकिंग करनी पड़ेगी लेकिन जब आप जो है को करेंगे ना तो कई बार आपको जो है इंट्यूशन हो जाएगा कि वो आंसर होने वाला है कि नहीं होने वाला है ठीक है और रीचेकिंग करने में मतलब हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहे हैं हम आप अब क्वेश्चन में एक लाइन के लिए रीचेक कर रहे हैं क्या वो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो सकता है कि नहीं हो सकता ठीक है चलो तो मैं नोट करके लिख रहा हूं निशांत क्या मेरी बात समझ पा रहे हो सर, ठीक है तो लिखो जरा <coughs> और ऐसा तब तब करेंगे जब भी हम क्वेश्चन में स्लोप एम मान लेंगे ठीक है तो वी हैव नोट करके लिखे वी हैव टू सेपरेटली सेपरेटली चेक मैंने चेक लिखा है चेक करना पड़ेगा क्योंकि वो कैलकुलेशन से नहीं आएगा वी हैव टू सेपरेटली चेक फॉर दैट लाइन फॉर दैट लाइन हमें उस लाइन के बारे में सेपरेटली चेक करना पड़ेगा फॉर दैट लाइन विच इज विच इज पैरेलल टू वाई एक्सेस विच इज पैरेलल टू वाई एक्सेस उस लाइन के बारे में हमें एक बार चेक करना पड़ेगा कि क्या वो लाइन हमारे क्वेश्चन का आंसर हो सकती है कि वो लाइन जो वाई एक्सेस के पैरल है ठीक है तो ध्यान से सुनिएगा जरा अब हम क्या कर रहे हैं चेकिंग कर रहे हैं ये क्या करने जा रहे हैं सॉल्व नहीं कर रहे हैं ये चेकिंग करने जा रहे हैं क्या ये लाइन हमारे क्वेश्चन का आंसर हो सकती है कि नहीं हो सकती ठीक है तो ये हमारे पास लाइन थी पैरेलल लाइन <संग> y प्लस टू एक्स दैट इज इक्वल टू फाइव और दूसरी लाइन क्या थी y प्लस टू एक्स इज इक्वल टू सेवन ठीक है तो हमें देखना है कि वो लाइन जो किस पॉइंट से पास करे वो लाइन जो कि किस पॉइंट से पास करे दैट इज माइनस वन कॉमर टू और किसके पैरेलल हो वाई एक्सएस के पैरेलल ठीक है वाई एक्सएस इस पॉइंट से पास करे और वाई एक्सेस के पैरल हो तो दिस इज द लाइन जो कि इस पॉइंट से पास कर रही है और y के पैरल है इसका स्लोप अनडिफाइंड होगा जो कि कैलकुलेशन से कैलकुलेट नहीं हो पाएगा इसलिए हम इसको रीचेक कर रहे ठीक है चलो दिस इज लाइन क्या है लाइन पैरल टू वाई एक्सेस इसको चेक करना पड़ेगा क्योंकि इसका स्लोप आपका कैलकुलेशन से कैलकुलेट ये लाइन छूट गई है ठीक है दैट इज लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस इसका स्लोप अंडिफाइन होता है ये कैलकुलेट हो नहीं पाएगा छे बताओ अगर कोई लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है तो क्या हम उसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन की इक्वेशन तो क्या एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट क्या मेरी बात क्लियर है सर yes, और आप देखेंगे इस लाइन की इक्वेशन आपको लिखनी है बिल्कुल लिख सकते हैं इस

अब देखना है क्या ये लाइन इन दोनों लाइन के बीच में कितने यूनिट का इंटरसेप्ट कट कर रही है क्या ये दो यूनिट का कट कर रही है अगर ये दो यूनिट का कट होगी तो आंसर होगी अगर नहीं कट करेगी तो आंसर नहीं होगी अब आप देखेंगे आपका ये इंटरसेप्ट है ठीक है ये इंटरसेप्ट कट हो रहा है इस लाइन के द्वारा इसकी लेंथ निकालने के लिए इन दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं चलो मान लेते हैं ये पॉइंट ये लाइन इन दोनों लाइन को ए और बी पे कट करती है क्या पॉइंट ए और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा इस लाइन और इस लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालेंगे इन दोनों लाइन की इक्वेशन को आपस में सोल्व करेंगे एक्सिक्वल टू यहां पर माइनस वन रख देंगे तो वाई आ जाएगा तो इस पॉइंट के क्वारिनेट आ जाएंगे तो जरा मुझे बताओ पॉइंट ए का कॉर्डिनेट कितना होगा तो एक बार मैं इस लाइन को इस लाइन के साथ सॉल्व करूंगा और एक बार मैं इस लाइन को इस लाइन के साथ सॉल्व करूंगा सॉल्व करने के बाद मुझे पॉइंट ए और पॉइंट बी के मालूम चल जाएंगे ठीक है -1 y 2X, हाँ. X 1. इनको सॉल्व कर रहा हूं सॉल्व करने में एक्स तो आपको मालूम है एक्स रख दो यहां से वाई आ जाएगा तो वाई की वैल्यू आ जाएगी दैट इज सेवन तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे माइनस वन कॉमा सेवन और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए एक्स की वैल्यू को यहां रख दो तो यहां से वाई आ जाएगा वाई प्लस टू इंटू माइनस वन इज इक्वल टू सेवन वाई इजल टू हो जाएगा माइनस वन कॉमा सेवन और पॉइंट बी के आ गए, और जरा बता दो ए है, है? और बी के कोऑर्डिनेट है तो ए बी लेंथ कितनी होगी दैट इज डिस्टेंस फार्मूला यूज कर सकते हैं अंडरवुड ऑफ दन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर एक्स एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू का होल स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर रूट तो ये कितना आ जाएगा दिस इज अंडर रूट ऑफ प्लस टू का होल स्क्वायर ये तो जीरो हो जाएगा तो दिस इज अंडर रूट ऑफ जीरो प्लस फोर दैट इज इक्वल टू टू तो ए बी लेंथ कितनी आ रही है जो लेंथ है वो कितनी आ रही है ये जो आपके पास लाइन है जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल है ये इन दोनों लाइन के बीच में कितना इंटरसेक्स कितनी लेंथ का इंटरसेक्शन कट करेगी ए बी और आपको चाहिए भी कितना था इसने कट किया ए बी इंटरसेक्शन जो कट किया उसका लेंथ है टू और आपको चाहिए भी कितना था वांटेड ए बी इंटरसेक्शन क्या चाहिए था दो ही चाहिए था क्वेश्चन में दो ही चाहिए था ना तो ये जो लाइन है जो वाई एक्सिस के पैरल है इस पॉइंट से पास हो रही है और इन दोनों पॉइंट के इन दोनों लाइन के बीच में दो यूनिट का इंटरसेक्ट कर कट कर रही है तो ये लाइन भी आपके क्वेश्चन की कंडीशन को क्या कर रही है सेटिस्फाई उस लाइन की इक्वेशन आपको बतानी थी जो इस पॉइंट से पास करे और दैट इज इन दोनों लाइन के बीच में दो यूनिट का इंटरसेक्शन क्या ये वाली लाइन आपके क्वेश्चन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है? तो क्या ये लाइन भी आपके क्वेश्चन का आंसर होगी बिल्कुल होगी ठीक है तो लिख रहा हूं दैट इज एक्स इज इक्वल टू ठीक है एच हाँ बेटा सर किसी पॉइंट के अक्रॉस दो पहले लाइन के अगर बीच में अगर डिस्टेंस देखेंगे तो दो पॉसिबिलिटी होगी ना सेम डिस्टेंस आने की बेटा देखो तुमने बोला कि किसी भी पॉइंट के क्रस्पॉन्डिंग यहाँ पर ये नहीं दिया था क्वेश्चन में कि जो पॉइंट है इनके बीच में लाइ कर रहा है ठीक है जैसे नहीं, सर मैं अलग से पूछ रहा हूँ क्वेश्चन बताओ कि अगर मतलब एक पॉइंट्स तो दो 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 पॉसिबिलिटी हो सकती है ना इक्वल पॉसिबिलिटी है वो अभी आगे डिस्कस करेंगे अभी डिस्टेंस okay. के बारे में आगे डिस्कस करूंगा उसको मैं बताऊंगा ठीक है लेकिन यहाँ okay. पर ये नहीं बोला था ये जो पॉइंट है क्या इन दोनों पहले लाइन के बीच में कहीं उसने बोला कर नहीं कर रहा है ठीक है कटिंग बोला था कि ये इस पॉइंट से पास करे उस पर इंटरसेप्ट कट करें तो वो मैंने बना ली। अब मुझे नहीं मालूम था कि कौन कौन सी लाइन है तो जब भी कैलकुलेशन करेंगे तो वो लाइन तो कैलकुलेट हो जाएगी जिसका स्लोप आपका फाइनाइट होगा लेकिन एक लाइन छूट जाएगी वाई एक्सिस के इनफाइनाइट तो होता है जो कि या फिर से कैलकुलेट नहीं होता तो उस लाइन के लिए मैं सेपरेटली चेक किया नहीं किया चेक किया कि क्या ये जो वाई एक्सएस के पैरल जो लाइन इस पॉइंट से पास करे और वाई एक्सिस के पहले है क्या वो लाइन इन दो लाइन के बीच में क्या दो यूनिट का इंटरसेप्ट तो कट नहीं कर रही उसने भी कट किया तो वो भी मेरी क्वेश्चन की कंडीशन को क्या कर रही है करें। तो क्वेश्चन गिवन कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन सो दैट So that, इस क्वेश्चन के दो आंसर होंगे ठीक है दो आंसर होंगे एक तो जो आपने निकाला था वाई स्लोप आया था वाई माइनस टू स्लोप था माइनस तीन बटे चार एक्स प्लस वन एक ये भी इसका आंसर होगा और एक्स इज इक्वल टू माइनस वन ये भी इसका आंसर होगा दो आंसर होंगे क्या मेरी बात क्लियर है अगर मान लीजिए ऐसा होता ये मैं अपनी तरफ से समझा रहा हूं ठीक है पहले इतना लिख लीजिए अगर किसी को ये मैंने जो दूसरा आंसर निकाला है ये चेकिंग से निकाला है सॉल्विंग से नहीं निकाला है ये आपको चेक करना पड़ेगा और ऐसी चेकिंग आप कब करेंगे जब भी आप स्लोप मान के क्वेश्चन को करेंगे क्योंकि जब भी स्लोप मान के क्वेश्चन को करेंगे तो सारे स्लोप कैलकुलेट हो जाएंगे जो तो फाइनाइट होंगे लेकिन एक स्लोप छूट जाएगा किस लाइन

बाई चांस ये मानना है ये इसका क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं जो मैं तुम्हें बता रहा हूं ठीक है अगर मान लो ये क्वेश्चन थी तुम्हारी ठीक है और ये जो लाइन है y एक्सएस के पैरल है जब आप चेकिंग करते y एक्सएस के पैरल लाइन थी ये और ये इस पॉइंट से पास कर रही है पॉइंट टू पैरेलल वाई ठीक है इसकी इक्वेशन तुम इमीडिएटली निकाल लेते पैरेलल लाइन की इक्वेशन होती और एक्स कोऑर्डिनेट आपका माइनस वन है तो माइनस वन हो जाएगा ठीक है चलो अगर मान लो सॉल्व करने के बाद इसमें नहीं लिखी इसीलिए सॉल्व करने में मान लो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट ये आ जाते हैं एक एक कोऑर्डिनेट ये आ जाते दैट इज नथिंग बट द वहां पर ना मान लीजिए छह आ जाता और पॉइंट बी का जो कोऑर्डिनेट है वो माइनस वन कॉमन नाइन आ जाता तो अगर मैं जो अच्छा ये दोनों पॉइंट एक दूसरे के नीचे हिलाई करेंगे तो इन दोनों पॉइंट इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी इस बार ए बी डिस्टेंस कितनी होगी तीन होगी ठीक है ए बी डिस्टेंस कितनी होगी तीन

कट कर रही तो क्या यह लाइन हमारे क्वेश्चन का आंसर होती नहीं होती तो इस केस में सो दैट सो दैट इन दिस केस इन दिस केस x इज इक्वल टू माइनस वन लाइन नॉट सेटिस्फाइंग नॉट सेटिस्फाइंग कंडीशन ऑफ द गिवेन क्वेश्चन कंडीशन ऑफ द गिवेन क्वेश्चन गिवेन क्वेश्चन की कंडीशन को जो लाइन वाई एक्सएस के पहले दो यूनिट की जगह तीन यूनिट का इंटरसेप्ट करते हैं सो वी कैन नॉट सो वी वी कैन नॉट सो वी कैन नॉट टेक एक्स इज इक्वल टू माइनस वन इन दी फाइनल इन दाइनल जो फाइनल आंसर लेते उसमें X equal to minus को include नहीं, करते, नहीं लेते उसको छोड़ देते क्या मेरी बात क्लियर है ठीक है तो जब भी स्लोक मान के करेंगे तो यह चीज आपको चेक करनी पड़ेगी चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं तो दो फॉर्म हम लोग देख चुके हैं लाइन के पहला फॉर्म मैंने आपको बताया था देट इज स्लोक इंटरसेप्ट फॉर्म बताया था ठीक है अगर आपको जो है एक लाइन है जिसका स्लोप मालूम है, है, तो है, है एक फिक्स पॉइंट से पास हो रही है उस फिक्स पॉइंट के कोऑर्डिनेट है एक्स वन कॉमर वाई वन और लाइन का स्लोप एम है तो लाइन की इक्वेशन होती है वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन ठीक है हम देखने जा रहे हैं अगर वो मेरी क्वेश्चन की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो इस लाइन को हम अपने आंसर में इंक्लूड नहीं करेंगे ठीक है अगर हमारी गिवन कंडीशन की गिवन क्वेश्चन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हो तो इसको इंक्लूड करना पड़ेगा लेकिन ये आंसर हाँ जो ये लिखे हैं अगर करता है तो इसका दो हो जाता। हाँ दो आंसर हो जाता ठीक है अगर नहीं कर रहा है तो केवल एक ही आंसर होता लेकिन हमें देखो जो हमने निकाला था ना उसमें ये सेटिस्फाई कर रहा था ये मैंने अपनी तरफ से बताया है हाँ, कि चेक आपको जरूर करना पड़ेगा ऐसा नहीं कि तुम चेक ना करो जब भी स्लोप मान के करोगे चेक करना पड़ेगा लेकिन बुकों में चेक करता नहीं है एक आंसर देता है लेकिन जब आई में आप करके आते हैं तो आंसर आंसर गलत हो जाता है है उसमें दो आंसर देता है। तो ये आंसर केवल और केवल और चेकिंग से ही आएगा जो लाइन एक्सिस के पैरेलल है या जब स्लोप मान के करेंगे तो वहां से रियल वैल्यू आती है फिर फाइनाइट वैल्यू आती है इनफाइनाइट या फिर अनडिफाइंड वैल्यू नहीं आती तो उसको चेकिंग से ही उस okay. आंसर को देखना पड़ेगा और इसका कोई तरीका नहीं है क्या मेरी बात क्लियर है चलो नेक्स्ट <laughs> है हाँ बेटा बताओ चले नेक्स्ट लिखें दट इज और अभी से लेके लास्ट टॉपिक हाइपर बोले तक इसका यूज होगा कहीं भी हो सकता है जब भी मैं स्लोप मार लूंगा दट इज टू पॉइंट फॉर ऑफ ए लाइन टू पॉइंट फॉर्म ऑफ ए लाइन टू पॉइंट फॉर्म ऑफ ए लाइन ठीक है तो इसमें लिख लेते हैं द इक्वेशन ऑफ द लाइन द इक्वेशन ऑफ ए लाइन द इक्वेशन ऑफ ए लाइन ज्वाइनिंग ज्वाइनिंग टू पॉइंट ठीक है आपकी अगर एक लाइन है जो कि दो पॉइंट से होके जा रही है फिर दो पॉइंट को ज्वाइन करके पास हो रही है ठीक है द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट पहले पॉइंट के क्वारिनेट एक्स वन कॉमा वाई वन एंड दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट है एक्स टू कॉमा वाई टू ठीक है ये दोनों फिक्स्ड पॉइंट है तो दो पॉइंट से होके जाने वाली लाइन की इक्वेशन आप डायरेक्ट याद रखते हैं द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स एक्स वन कॉमा वाई वन एंड एक्स टू will वन will इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन दैट इज ब्रैकेट में एक्स माइनस एक्स वन ये इक्वेशन होती है बस हाँ हाँ अभी निकाल के मैं बता रहा हूं दैट इज अच्छा ये बताओ आपके पास जो लाइन है उसमें एक पॉइंट ये लाइन इस पॉइंट से तो होके जा रही है क्या मेरी बात क्लियर है तो दैट इज ये पॉइंट एक पॉइंट से तो होके जा रही है और दूसरा पॉइंट भी मालूम है तो दो पॉइंट मालूम है दो पॉइंट से होके जाने वाली लाइन का स्लोप भी निकाल सकते तो स्लोप ही आ जाएगा और ये लाइन से पास हो रही है, तो है तो हम जो पॉइंट यूज़ कर सकते हैं, बस एम की वैल्यू आपको रख देना। इसको डायरेक्टली ऐसे भी प्रूफ कर सकते हैं समझिएगा जरा। तो मैंने जो आपको बताया कि अगर दो पॉइंट आपके पास है दो पॉइंट से होके जाने वाली लाइन या फिर दो पॉइंट को ज्वाइन करके पास होने वाली लाइन की इक्वेशन क्या होती है डायरेक्टली आपको क्लियर होना चाहिए वाई माइनस वाई वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड और ये दो पॉइंट फिक्स पॉइंट है ठीक है दी जाता फिक्स पॉइंट एक्स वन कॉमर पहले फिक्स पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स वन कॉमा वाई वन और दूसरा है एक्स टू कॉमा वाई टू इन दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन ये है दिस दिस इज़ द लाइन विच कैन बी ज्वाइनिंग टू इन दोनों से होकर जाने वाली ये लाइन है और इस लाइन की जो इक्वेशन होती है ठीक है अगर लाइन पे लाई करने वाले दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको मालूम है तो इस लाइन की इक्वेशन आप डायरेक्टली लिख सकते हैं टू पॉइंट फॉर्म से दिस इज द लाइन जो कि इन दो पॉइंट को ज्वाइन करके पास हो रही है फिर इन दो पॉइंट से दो पॉइंट से होके पास करने वाले लाइन की क्वेश्चन अगर उन दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट मालूम है फिर लाइन में लाइक करने वाले अगर दो पॉइंट आपको मालूम है तो उस लाइन के क्वेश्चन को आप टू पॉइंट फॉर्म से डायरेक्ट लिख सकते हैं दैट इज y माइनस y1 वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स टू ब्रैकेट में एक्स माइनस और मैंने बताया था इक्वेशन क्या होती है एक्स और वाई में रिलेशन होती है तो अगर इसका प्रूफ करना चाहते हो तो दो सेकेंड का प्रूफ है <coughs> देखो प्रूफ भी मैं बता देता हूँ केवल दो सेकेंड आपको लगेंगे अगर आपको चीजें आती है <laughs> ठीक है इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है

ठीक है ये आपका कौन सा पॉइंट है मूविंग ये कहीं भी हो सकता है मूविंग और जनरल पॉइंट अच्छा ये बताओ अब एक क्वेश्चन निकालनी है तो इसको भूल जाओ अभी थोड़ी देर अब दो पॉइंट से होके जाने वाली लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं यहां से भी स्लोप निकाल सकते हैं और इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ ये लाइन दो पॉइंट से पास हो दो पॉइंट से होकर जाने वाली लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं दोनों एक ही लाइन का स्लोप है तो दोनों को बराबर कर देंगे तो यहां से स्लोप निकालो यहां स्लोप निकालो डायरेक्टली आ जाएगा तो मैं पहले यहां से स्लोप निकालने वाला हूं वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन से ठीक है वाई टू दाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन और इसी लाइन का स्लोप इसको भूल जाओ आप यहां से भी निकाल सकते हो हो के जाने डिवाइडेड से आपकी लाइन की है जी, x और बीच में रिलेशन चाहिए तो क्या था इसमें कुछ नहीं था क्वेश्चन कर लेते हैं फिर आगे चलते हैं आगे चल रहे हैं क्वेश्चन लिखिए दट इज फाइंड द इक्वेशन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द्वाइंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दट इज टू कॉमा माइनस थ्री एंड फोर कॉमा वन दो पॉइंट है आपके पास इन दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसकी इक्वेशन है तो दो पॉइंट जो मानते हैं लाइन में दैट इज उनके कोऑर्डिनेट एक्स वन कॉमा वाई वन और एक्स टू कॉमा वाई टू मानते हैं और इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन टू पॉइंट फॉर्म से लिख सकते हैं ठीक है तो नाउ दिस इज नथिंग बट द सॉल्यूशन लिख देता हूं आपको उस लाइन की इक्वेशन निकालनी जो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करे तो ये मेरे पास लाइन है ये लाइन जो है इन दो पॉइंट को ज्वाइन कर दिया इन दो पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद ये लाइन बन रही है इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो अगर किसी लाइन पे लाई करने वाले दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट मालूम है तो टू पॉइंट फॉर्म यूज कर सकते हैं लाइन की इक्वेशन द इक्वेशन ऑफ द लाइन लाइन इज y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स माइनस एक्स वन ठीक है यहां पर एक्स वन वाई वन क्या है पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट को एक्स वन कॉमा वाई वन बोलेंगे और दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट को आप एक्स टू कॉमा वाई टू बोलेंगे ये वैल्यू आपको दी दिस इज नथिंग बट दाई माइनस वाई वन सर दो आ रहा है दो कहा से आ रहा है वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन

एक्सेस के साथ जो है इंटरसेक्शन दिया हो या फिर आपको कई बार जो है आपका जो है से साथ जो है नथिंग बट द इंटरसेप्ट दिया होगा तो हम लोग हमेशा इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द लाइन को क्या करेंगे यूज करेंगे समझने की कोशिश करिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम मैं बात करने जा रहा हूं चौथे फॉर्म के बारे में चल रहे हैं सर थोड़ा सा राइट कर लें हाँ हाँ लिखो लिखो आज तुम कैमरा नहीं खोल रहे निशांत कहां हो तुम रूम पे हो आ, रूम पे दिख रहे हो तुम चल गया चौथा फॉर्म लिखे इंटरसेप्ट इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म फॉर द कंपिटेटिव एग्जामिनेशन इंटरसेप्ट इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन ठीक है तो अगर मान लीजिए कोई लाइन है उस लाइन का एक्स एक्सेस के साथ इंटरसेप्ट दिया हुआ है और वाई एक्सेस के साथ इंटरसेप्ट दिया है तब आप उस लाइन की इक्वेशन को डायरेक्टली ले सकते हैं और लाइन की इक्वेशन होगी गई एक्स डिवाइडेड बाई ए प्लस वाई डिवाइडेड बाई बी दैट इज इक्वल टू वन ठीक है तो पहले लिख देता हूं फिर मैं समझाता हूं ठीक है इफ इफ ए लाइन इफ ए लाइन हैज इफ ए लाइन हैज एक्स एक्सेस इंटरसेप्ट इज इक्वल ए अच्छा इंटरसेप्ट क्या होता है इंटरसेप्ट आपका जो है एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा ओ ए लेंथ विद साइन मतलब एक वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और एक वैल्यू निगेटिव भी हो सकती है पहली चीज क्लियर होनी चाहिए लेकिन बाय डिफॉल्ट जब हम क्वेश्चन को करेंगे तो हम हमेशा जब इंटरसेप्ट दिखाते हैं तो पॉजिटिव एक्स एक्सेस दिखा देते हैं लेकिन क्या जरूरी वो तो हमने दिखा दिया, एक दिखा दिया, लेकिन जो ए है ना ये है साइन के साथ निकालू तो, तो लेंथ तो, तो हमेशा होती है तो ए पॉजिटिव हो सकता है अगर मैं तो ओए लेंथ को लिखूंगा मॉड ए लिखूंगा ना क्या लिखूंगा ए में मॉड लगा देंगे क्योंकि लिखा जाता है ये प्लस और माइनस दोनों हो सकता है ठीक है प्लस और माइनस दोनों हो सकता है लेकिन कभी भी लेंथ या फिर डिस्टेंस निगेटिव नहीं होती तो अगर मैं इसमें मॉड लगा दूंगा तो ये आपकी डिस्टेंस आ जाएगी और ये पॉजिटिव हो जाएगी ठीक है तो जब भी मुझे डिस्टेंस की जरूरत पड़नी पड़ेगी तो मैं उसको मॉड ए लिखूंगा ना कि मैं ए लिखूंगा ठीक है कोटा में भी लोग यही पढ़ाते हैं कि इंटरसेप्ट का मतलब होता है लेंथ 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 नहीं होता होता विद साइन है फिर उसके लिए वो लोग जो है ट्रेंगल वाला फार्मूला लगाना स्टार्ट करते हैं ट्रेंगल का जब एरिया निकालते हैं तो उसमें मॉडल पहले से लगा होता है इसलिए वहां पर दिक्कत नहीं होती मैं दोनों तरीके बताऊंगा समझने की कोशिश करिए तो पहले मैंने बोला है इज इफ ए लाइन हैज एक्स इंटरसेप्ट अगर आपकी लाइन जो है उसका एक्स एक्सेस इंटरसेप्ट आपको मालूम है ए है एंड एंड वाई एक्सेस इंटरसेप्ट लाइन का बी है अगर आपको लाइन का एक्स एक्सेस इंटरसेप्ट ए दिया है वाई एक्सेस इंटरसेप्ट बी दिया है देन देन द इक्वेशन देन द इक्वेशन ऑफ द लाइन एज एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू तब लाइन की इक्वेशन ये होती है डायरेक्टली लिख सकते हैं एक्स एक्सेस इंटरसेप्ट मालूम है वाई एक्सेस इंटरसेप्ट मालूम है तो लाइन की जो इक्वेशन होगी वो होगी एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू वन ठीक है और ये बताइए अगर आपकी जो लाइन है उसका एक्स एक्सेस इंटरसेप्ट ए दिया है तो लाइन आपका जो है एक्स एक्सेस को किस पॉइंट पे कट करेगी ए कॉमा पे और वाई एक्सेस इंटरसेप्ट दिया है तो आपका वाई एक्सेस को कहां पर कट करेगी जीरो कॉमा पे जीरो कॉमा बी नीचे लिख रहा हूं and and this line and this line cuts cuts x axis at a comma 0 and and cuts y axis cuts y axis at 0 comma b जीरो कम अपील बाई डिफॉल्ट पॉजिटिव में बनाते हैं लेकिन ए और बी निगेटिव हो सकते हैं क्योंकि साइन के साथ होते हैं ठीक है बाय डिफॉल्ट प्लस लिखा हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा प्लस है भाई इंटरसेप्ट साइन के साथ लिखा जाता है एक वैल्यू पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकती है ठीक है तो जरा समझिएगा मैं एक फिगर बनाता हूं ठीक है ठीक है दिस इज लाइन तो आपको सिनेरियो ये दिया है कि आपके पास एक लाइन है वो उसका एक्स एक्सेस इंटरसेप्ट दिया है ठीक है एक्स एक्सेस इंटरसेप्ट दिया है ठीक है एक्स एक्सेस इंटरसेप्ट दिया तो मतलब लाइन हमारी जो है एक्स एक्सेस को कहां पर कट करे ए कॉमर जीरो अब ए पॉजिटिव होगा तो पॉइंट यहां आ जाएगा और ए अगर निगेटिव होगा तो पॉइंट यहां आ जाएगा तो जरूरी नहीं कि आप हमेशा यही दिखाएं मैं ए कॉमर जीरो यहां दिखा दूंगा तो मतलब ए निगेटिव है ठीक है लेकिन दिखाया कैसे जाता है बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं लेगा तो हमेशा प्लस साइन लेके चलते हैं लेकिन इंटरसेप्ट पॉजिटिव भी हो सकता है और negative, इसमें साइन इंक्लूड है इसके अंदर साइन लगा हुआ है जो कि आपको दिख नहीं रहा है क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो फिगर बनाया जाता, जाता है कि ये जो लाइन है अगर एक्स एक्सेस इंटरसेप्ट लाइन का ए है तो लाइन हमारे जो है एक्स एक्सेस को कट करेगी कहां पर दैट इज ए कॉमर जीरो पर कहां पर कट करेगी 1.0 1.0 और y एक्सेस इंटरसेप्ट है बी तो y एक्सेस को कहां पर कट करेगी 0.0 जीरो कोमा बी और लाइन बेटा जहां भी एक्सेस को कट करती उसको मैं कैपिटल ए बोलता था और जहां पर y एक्सेस कैपिटल बी बोलता था ठीक है क्या मेरी बात क्लियर है लाइन जो है उसका एक्स एक्सेस इंटरसेप्ट दिया है तो ए कॉमा जीरो पे कट किया एक्सेस को और वाई इंटरसेप्ट किया बी कॉमा जीरो पे कट किया अब लाइन बनाने के लिए दो पॉइंट चाहिए दोनों पॉइंट इनको ज्वाइन करने के तो लाइन बन जाएगी दिस इज द लाइन दिस इज द लाइन ठीक है ये जो लाइन है ठीक है दिस इज द लाइन दिस इज योर लाइन ठीक है अगर लाइन का एक्स एक्सेस एक्स एक्सेस इंटरसेप्ट का मतलब क्या होगा एक्स एक्सेस का मतलब ओ लेंथ विद साइन ओ लेंथ विद साइन ए दिया है ओ लेंथ विद साइन बी दिया है तो दिस लाइन की इक्वेशन क्या होगी इक्वेशन होगी दैट इज इस लाइन की इक्वेशन होगी एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी ये इंटरसेप्ट ए इंटरसेप्ट है लेंथ नहीं है इसलिए पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव अगर मुझे केवल इतनी इंफॉर्मेशन एक्स इंटरसेप्ट और वाई एक्स इंटरसेप्ट दिया है तो आप ऐसा फिगर भी बना सकते हैं क्योंकि ये चूंकिटिव भी हो सकता है तो ये भी फिगर चलेगा ये नहीं कि सर माइनस लगा दीजिए भाई इंटरसेप्ट साइन के साथ ही होता है ठीक है तो ऐसा भी फिगर हम बना सकते हैं ठीक है लेकिन बाय डिफॉल्ट इन दोनों में से कौन सा फिगर बनाया जाता है क्योंकि हमें जब भी जो है कोई साइन नहीं लगा तो हम उसको प्लस मान लेते हैं हम ऐसा भी फिगर बना सकते हैं दिस इज द एक्स एक्सेस वाई एक्सेस लेंथ नहीं दी है ठीक है नट दिस इज द लाइन लाइन एक्स एक्सेस को ए पे कट कर रही है वाई एक्सेस को बी पे कट कर, कर रही है एक्स एक्सेस इंटरसेप्ट दिया है ए तो आपकी जो लाइन है वो आपके एक्स <coughs> एक्सेस को कॉमा जीरो तो तो नहीं बोला है तो ये कुछ भी हो सकता है तो ऐसा भी, बना सकते और ऐसा भी बना सकते वाई एक्सेस इंटरसेप्ट है तो जीरो कॉमर बी पे कट करेगी अच्छा ऐसे भी बना सकते थे ऐसे भी बना सकते थे, थे लाइन कॉमा जीरो जीरो चारों कंडीशन में कौन सा फिगर हम लोग क्वेश्चन करते समय तो बनाएंगे ये ये बताओ मुझे ये भी सही सही है है ये भी सही है. कौन सा फिगर बनाएंगे निशांत फर्स्ट वाला, वाला बनाएंगे लेकिन कभी मैं ऐसा बना दू तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि इंटरसेप्ट पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है इंटरसेप्ट साइन के साथ आपको जो है लेंथ नहीं दिया मैंने इंटरसेप्ट हाँ बेटा कस्टम बताओ सर अगर थर्ड क्वार में काटते हुए जाएगा तो दोनों नेगेटिव होगा ना बेटा वो साइन उसके अंदर इंक्लूड है हम तो एक जनरल फिगर बना रहे हैं अभी हमें क्वेश्चन में जो है ये नहीं ये दिया ए दिया मैंने ए लिखा है अब ए अगर पॉजिटिव होता अगर मुझे ए की पर्टिकुलर वैल्यू दे देता इंटरसेप्ट प्लस फाइव दे, दे देता तो मैं उसको हमेशा यही बनाता ए की वैल्यू मुझे माइनस फाइव दे देता तो मैं उसको यही बनाता लेकिन क्या मैंने okay, कोई दी है? क्या और निगेटिव तो है है। तो भी, भी हो सकता है तो अगर मुझे इंटरसेप्ट नहीं दिया है तो अगर मैं क्वेश्चन को करना चाहता हूं तो मैं ये लाइन भी बना सकता हूं ये लाइन भी बना सकता हूं ये लाइन भी, भी बना सकता हूं और ये लाइन भी बना सकता हूं चारों लाइन बना सकता हूं

ट मैंने यहां पर बनाया तो बाय डिफॉल्ट मैं अपने मन में लेके चल रहा हूं कि यार का साइन कैसा है प्लस है यहां बनाने का का मतलब मेरे मन में है कि यार साइन मैंने क्या मान लिया है माइनस मान लिया है लेकिन जो भी क्वेश्चन में आना होगा सॉल्व करने के बाद वो तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा क्या मेरी बात क्लियर है एक्चुअल फिगर थोड़ा है ये तो हम एक जनरल फिगर बना रहे हैं क्या मेरी बात क्लियर है क्या मेरी बात क्लियर है क्योंकि जब मैं भी पढ़ता था तो मैं हमेशा सोचता था कि यार इंटरसेप्ट ए दिया हुआ है तो यही फिगर बनना चाहिए लेकिन हमारे सर कई बार ऐसा फिगर भी बना देते थे ठीक है तो कंफ्यूजन हो जाता था भाई उन्होंने बना दिया क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लेकिन जैसा वो होगा पॉजिटिव निगेटिव जैसा होगा वो कैलकुलेट करने पे आ जाएगा आपको उसमें रिस्क नहीं लेना है ठीक है अच्छा ये बताओ ये तो साइन के साथ प्लस और माइनस दोनों हो सकता है अगर मैं आपसे बोलूं कि ये लेंथ ये लेंथ ए होगी कि ये मॉड ए होगी ये लेंथ क्योंकि ये प्लस माइनस दोनों हो सकता है लेंथ तो निगेटिव हो नहीं सकती तो जब मैं इस लेंथ को लिखूंगा तो मैं इसको मॉड ए लिखूंगा ए कैसा भी हो पॉजिटिव निगेटिव मॉड लगाने का तो वो प्लस ही हो जाएगा क्या मेरी बात क्लियर है कस्तूब हाँ मॉड लगाना पड़ेगा मॉड नहीं लगाओगे तो दो तीन आंसर छूट जाएंगे और छूटते ही आई आई तुम जानते हो आई आई जो जान कि तुम आंसर छोड़ो ठीक है लेकिन उसका भी मैं एक yes. तरीके बता दूंगा तुमको जो है ठीक है Yes, कि उसको भी अगर मान लो तुम तो नहीं लगाते हो तो मैं कंफ्यूजन होता है तो उसका भी तरीका बता रहा हूं ठीक है तो मैं जो है जब भी क्वेश्चन करना होगा तो कौन सा फिगर बनाऊंगा मुझे नहीं दिया होगा अगर मैंने इंटरसेप्ट ए माना होगा तो ए कॉमर जीरो मुझको दिख रहा है प्लस लगा है तो मैं यही वाला फिगर बना के क्वेश्चन को करूंगा लेकिन आंसर एक से ज्यादा भी हो सकते हैं तो ऑटोमेटिकली वो आ जाएंगे जो है ठीक है ऐसा नहीं है कि वो नहीं आएंगे ऑटोमेटिकली आ जाएंगे ठीक है चलो अब इसका प्रूफ भी देख लेते हैं ठीक है तो यहां पर इसको मिटार दे रहा हूं जो है कि तुमको कंफ्यूजन ना हो जब तुम इसको रिवाइज करो ठीक है मैंने है कि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो पड़ते समय ठीक है तो कई बार होता है कि जब तुम लोग जो है बाद में पढ़ोगे तो कंफ्यूजन हो सकता है तो तुम केवल एक ही फिगर बनाओ लेकिन मैं कर कुछ भी सकता हूं एग्जामिनेशन में ठीक है चलो अच्छा ये मैं तो इसको प्रूफ कैसे करेंगे प्रूफ कैसे करेंगे हेलो प्रूफ कर सकते हैं ना हेलो अगर तुम्हें जो है लाइन का जो है एक्स एक्सेस इंटरसेप्ट मालूम है तो कटिंग मालूम है ना हेलो निशांत सर फिर तो बोलिए बात थी लाइन की इक्वेशन निकालनी है लाइन का एक्स एक्सेस इंटरसेप्ट दिया वाई एक्सेस इंटरसेप्ट दिया ठीक है, है चलो मैं इसका प्रूफ भी बता दे। दो सेकंड में लगेगा देखो अगर लाइन का एक्स एक्सेस इंटरसेप्ट दिया वाई एक्सेस इंटरसेप्ट दिया तो लाइन की इक्वेशन क्या होगी एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू वन प्रूफ देख लेते हैं इसका प्रूफ प्रूफ है अगर लाइन का एक्स एक्सेस इंटरसेप्ट दिया है तो जो लाइन होगी वो एक्स एक्सेस को कहां पर कट करेगी ए पे एक्स एक्सेस में कटिंग है ए और वाई एक्सेस को कहां पर कट कर रही है पॉइंट बी पे इस लाइन की इक्वेशन निकाल दीजिए लाइन का ये जो लाइन है क्या दिया है फॉर लाइन एक्स एक्सेस इंटरसेप्ट दिया है ए तो एक्स एक्सेस को किस पॉइंट पे कट करेगी एक कॉमा जीरो पे और वाई एक्सेस अगर इंटरसेप्ट दिया है लाइन का तो ये लाइन वाई एक्सेस को कट करेगी जीरो बी पे इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए अब तुम्हें तो लाइन की इक्वेशन चाहिए तो भैया जो है ये बताओ लाइन की इक्वेशन क्या होती है एक्स और वाई का रिलेशन तो इसमें एक वेरिएबल अच्छा इस लाइन पे लाई करने वाले दो पॉइंट मालूम है ना कस्तु हेलो इस लाइन पे लाई करने वाले दो पॉइंट तुम्हें मालूम चल गए टू पॉइंट फॉर्म भी यूज कर सकते हो या फिर जो जनरल तरीका होता है तो लाइन का इक्वेशन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा एक जनरल पॉइंट कंसीडर करना पड़ेगा तो जनरल पॉइंट कंसीडर कर लेता हूं एक वाई। और एक बार मैं इन दोनों पॉइंट को यूज करके लाइन का स्लोप निकालूंगा एक बार इन दोनों पॉइंट का यूज करके स्लोप निकाल लूंगा वहां से इक्वेशन आ जाएगी चलो निकालते हैं तो स्लोप निकाल रहा हूं पहले मैं इन दोनों पॉइंट को यूज करते हैं इन दोनों पॉइंट को यूज करेंगे तो स्लोप क्या आएगा दैट इज वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई x2 टू माइनस से और एक बार मैं इन दोनों को यूज कर रहा हूं इन दोनों को यूज करेंगे तो दिस इज नथिंग बट दिस इज y2 minus y1 डिवाइडेड by that is x2 minus x1 ठीक है यहां से अब निकालेंगे तो आएगा y डिवाइडेड by x minus a is equal to b by a अब मैं क्या करना है b को यहां ले आता हूं और x by a को वहां ले जाता हूं तो y मैं अलग अलग डिवाइड कर देता हूं A को आप अलग अलग डिवाइड कर दो दिस इज कहीं गलत हो गया क्या y माइनस वाई माइनस वाई टू डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्सन ये माइनस आएगा हेलो ये माइनस आएगा बेटा यहां पर ये माइनस आएगा ठीक है सॉरी फॉर दैट ये माइनस आएगा दिस इज माइनस ठीक है अब मैं इसको अलग अलग डिवाइड कर देता हूं यहां पर तो दिस माइनस बीज इक्वल टू माइनस एक्स बाई एंड ऊपर कितना आ जाएगा दिस इज माइनस ए डिवाइडेड बाई माइनस ए तो दिस y by, B is equal to minus x by a that is plus one और बेटा x, तो x by a को इधर लिया is equal to one या फिर two point फॉर्म से डायरेक्ट भी लिख सकते थे ये इक्वेशन हो जाएगी लाइन की दिस इज द इक्वेशन ठीक है अब एक चीज और ध्यान से सुनिए एक और नाम बता रहा हूं कई बार ये यूज हो गया क्या हो, हो गया बेटा हो गया चल यहां पर बात करें देखो यहां पर ध्यान सुनो ये जो मेरे पास आपका जो है दिस नथिंग बट जो कहलाता है ओए जो साइन के साथ कहलाता है ये एक्स एक्सएच इंटरसेप्ट कहलाता है एक्स एक्सेस इंटरसेप्ट ए एक्स

ए बी इस पोर्शन को हम बोलते हैं दैट इज ना इंटरसेप्ट बिटवीन द एक्सेस तो लिखेगा एक्स एक्स e, e, का मतलब कि दोनों क्वारिनेट एक्सेस के बीच में ये जो मेरे पास लाइन है इसका जो पोर्शन है इसको बोलते हैं दैट इज नथिंग बड्डा आपका जो है दट इज इंटरसेप्ट बिटवीन द क्वारट एक्सेस जब भी आपका इंटरसेप्ट बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सेस के बारे में बात करेगा ये 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 के बीच में ये जो line का जो 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 का का है 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 इस portion को बोलते हैं तो मैं लिखे दे रहा क्या कहलाता है दिस इज द इंटरसेप्ट इंटरसेप्ट बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सेस एक्सेस ये लिखा होगा मतलब दोनों एक्सेस के बारे में आई नहीं लिखा होगा यहां देखो स्पेलिंग में अंतर है ठीक है स्पेलिंग में अंतर है जब भी ए एक्स लिखेगा मतलब दोनों कोऑर्डिनेट एक्सेस के बीच में बारे में बात करेगा इतने पोर्शन को हम बोलते हैं ये जो पोर्शन है ना ए बी पोर्शन लाइन का ये होगा इंटरसेप्ट टवीन द कॉर्डिनेट एक्सेस अब इस पर एक क्वेश्चन लिखे जा रहा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इंटरसा अच्छे क्वेश्चन अभी करवाऊंगा लेकिन उससे एडवांस क्वेश्चन अभी बाद में करवाँगा. लेकिन पहले तुम लोग कॉन्सेप्ट समझ चलो। हो गया क्या निशांत चलो देखो चलो पहला क्वेश्चन लिखिए लिखे गिवेन ए लाइन गिवेन ए लाइन गिव एन ए लाइन सच दैट गिवेन ए लाइन सच दैट इट्स इंटरसेप्टेड इट इंटरसेप्टेड मतलब ये जो लाइन है इसका इंटरसेप्ट पोर्शन पोर्शन मीथ होता है लेंथ इंटरसेप्टेड पोर्शन मैं लिख देता हूं इंटरसेप्टेड पोर्शन पोर्शन वर्ड लिख लो पोर्शन का मतलब होता है लेंथ इंटरसेप्टेड पोर्शन बिटवीन द क्वारट एक्सेस तो ये जो लेंथ होती है ना लाइन का एबी लेनेट एक्सेस के बीच में है इसको बोलते हैं इंटरसेप्टेड पोर्शन बिटवीन द क्वारट एक्स सर ये ना क्या बेटा निकाल सकते हैं अगर अगर इंटरसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस इतना तो वो तो लेंथ देगा ना, ना तो। उसने तुम्हें बोलेगा कि इंटरसेप्ट एक्स पोर्शन बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस तो ये बताओ अगर मैं जो है कौन सा फॉर्म यूज करूं लाइन का इंटरसेप्ट फॉर्म यूज करूंगा तो इस लेंथ को तो मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूं क्योंकि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मालूम चल जाएंगे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मालूम चल जाएंगे क्या मेरी बात क्लियर है यस सर यस सर फिर आपने निकाल लेंगे इसलिए मैं ये बता रहा हूं कि जब भी इंटरसेप्टेड पोर्शन वोर्सन ये लैंग्वेज आने लगती है ना तो ये एक हिंट होता है कि इस क्वेश्चन में जो आपको लाइन कंसीडर करनी है वो इंटरसेप्ट फॉर्म में तो अपनी तरफ से आप एक्स एक्सएस इंटरसेप्ट ए मान लेंगे लाइन का वाई एक्सेस इंटरसेप्ट आप मान लेंगे बी क्योंकि जब भी आप लाइन बनाएंगे हेलो कस्तूब जब भी तुम लाइन बनाओगे तो लाइन हमेशा एक्स एक्सएस और वाई एक्सएस को कट ही करेगी कोई सी भी लाइन बनाओ ऐसी कोई लाइन ही नहीं हो सकती जो कभी भी एक्स और वाई एक्सएस को जब भी लाइन होगी तो एक्स और वाई एक्सएस को कट जरूर करेगी हंड्रेड परसेंट ठीक है इसलिए आपने बोला कि लाइन है तो मतलब एक्स और वाई एक्सएस को कट करेगी तो एक्स एक्सएस जो इंटरसेप्ट होगा वो ए मान लेंगे बी मान लेंगे लाइन की इक्वेशन लिख डालेंगे और उसके बाद फिर जो जो चीजें दी होंगी उसको हम लोग कैलकुलेट कर डालेंगे ठीक है और इंटरसेप्ट प्रोपोर्शन में दो अननोन होता है ए और बी पॉइंट स्लोप फॉर्म में अगर बात करेंगे तो वहां पर आपके पास जो है एक पॉइंट मालूम होना चाहिए स्लोप आपको मालूम होना चाहिए तो यहाँ पर देखो जब भी इंटरसेप्ट देगा तो ये फॉर्मेट हमारे लिए ज्यादा बेटर पड़ेगा इसलिए इसी फॉर्मेट से क्वेश्चन को करना है जब एरिया देगा ट्रैंगल का एरिया अगर आपको निकालना है तो अगर ट्राइंगल जो बन रहा होगा क्वारिनेट एक्सेस के बीच में उनके तीनों वर्टेक्स के क्वारट मालूम है तो भी हम लोग क्या कर सकते हैं आप जो है एरिया डायरेक्ट निकाल सकते हैं तो अगर इंटरसेप्ट फॉर्म यूज करेंगे तो तीनों वर्टेक्स से कोऑर्डिनेट हमें मालूम होते हैं तो तब भी हम लोग इंटरसेप्ट फॉर्म ही यूज करेंगे एक मिनट एक मिनट तो कहां पर थे हां तो क्वेश्चन में थे गिवेन ए लाइन सच दैट इट्स इंटरसेप्टेड इट्स इंटरसेप्टेड पोर्शन इंटरसेप्टेड पोर्शन बिटवीन बिटवीन द कोऑर्डिनेट Excess Age Divided Divided, Divided.

इंटरनली बाई द पॉइंट टू कॉमर सेवन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ठीक है आपको लाइन की इक्वेशन आपको बतानी है तो क्वेश्चन है कि आपको क्या है दैट इज गिवन है गिवन ए लाइन सच दैट एक ऐसी लाइन है इट्स इंटरसेप्टेड पोर्शन बिटवीन द कॉर्डिनेट एक्सेस इज डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ वन इज टू थ्री इंटरनली एक लाइन है वो लाइन आपकी जो है कोऑर्डिनेट एक्सेस के बीच में क्या कर रही है एक इंटरसेप्टेड पोर्शन क्या कर रही है कट कर रही है ठीक है और इस इंटरसेप्टेड पोर्शन को एक पॉइंट है टू कॉमा सेवन जो कि किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वन इी के रेशियो में इंटरनली डिवाइड कर रहा है तो इस लाइन की इक्वेशन बताना है उस लाइन की इक्वेशन बतानी है जो लाइन क्वारिनेट एक्सेस के बीच में इंटरसेप्ट क्या कर रही है कट कर रही है ठीक है ये जो लाइन है जिसकी क्वेश्चन में तो ये लाइन आपका जो है कोऑर्डिनेट एक्सेस देखो कोऑर्डिनेट एक्सेस के बीच में एक, एक इंटरसेप्टेड पोर्शन कर रही है और इस इंटरसेप्टेड पोर्शन को ये वाला पॉइंट किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वन इंडी लेकिन इंटरनली बोला है इंटरनली डिवाइड कर रहा है क्या मेरी बात क्लियर है यस यस सर है हेलो क्या मेरी बात क्लियर है? Yes, आ, देखो लाइन आपकी जो है कोऑर्डिनेट एक्सेस के बीच में इंटरसेप्ट कट कर रही है और जो भी ये इंटरसेप्ट कट कर रही है लेंथ में कुछ नहीं दिया जो भी ये इंटरसेप्ट पोर्शन कट कर रही है उस इंटरसेप्ट पोर्शन को एक पॉइंट है लाइन पे ठीक है क्योंकि तो आप जो कोई भी पोर्शन को उस पॉइंट उस पोर्शन पे अगर कोई पॉइंट है दैट इज टू कॉमा सेवन वो इस पोर्शन को इंटरसेप्टेड पोर्शन को वन इज टू थ्री के रेशियो पे डिवाइड करा तो ये बताओ ये बताओ कि अगर मैं जो है बनाना चाहूं देखो इंटरसेप्ट दिया तो मैं इंटरसेप्ट फॉर्म यूज करूंगा पर ये बताओ जो है लाइन जो है मैं किस क्वार्टर में बनाऊ यहां बनाऊ ऐसी बनाऊ ऐसी बनाऊ ऐसी तुम बताओ जरा मुझे कॉमन सेंस के बारे में देखो मैं लाइन को जो है फर्स्ट क्वार्टर में ही बनाऊंगा फर्स्ट क्वार्टर पूछो क्यों क्योंकि एक पॉइंट है ये आपकी जो लाइन है ये कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में ये आपका जो है इंटरसेप्टेड पोर्शन है ये इंटरसेप्ट इस इंटरसेप्ट पोर्शन को ये वाला जो पॉइंट है टू कॉमर सेवन ये फर्स्ट क्वार्टर में पड़ेगा टू कॉमर सेवन फर्स्ट क्वार्टर में पड़ेगा ये पॉइंट वन इज टू थ्री के रेशियो पे डिवाइड कर रहा है ठीक है और जब ये लाइन हमारी जो है में है फर्स्ट में तभी ये इंटरनली डिवाइड करेगा अगर मान लो मैं यहां बना देता तो दैट इज टू कॉमर सेवन तो यहां पड़ेगा तभी इंटरसेक्टेड पोर्शन को वन इज टू थ्री के रेशियो में एक्सटर्नली डिवाइड करेगा ये एक्सटर्नली तो एक्सटर्नल नहीं बोला उसने क्या बोला है इंटरनल बोला है इंटरनल इंटरनल डिवीजन कर रहा है पॉइंट जो है जो कोऑर्डिनेट एक्सेस के बीच में जो इंटरसेक्टेड पोर्शन है इस इंटरसेक्टेड पोर्शन को वन इस टू थ्री के डिवीजन में या फिर वन इसी में क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है कैसा डिवाइड करा इंटरनली डिवाइड तो इज दैट इज 2.7 ये पॉइंट आपका जो उस इंटरसेप्शन पोर्शन के अंदर आना चाहिए तभी वो इंटरनल डिवीजन करेगा लेकिन इसमें भी दो केस बनेंगे देखेगा तो ये बात क्लियर होनी चाहिए मैं बना रहा हूं एक लाइन है दिस इज द लाइन ध्यान सुनिएगा आप जरा मैं फिगर बना रहा हूं लाइन को मैं फर्स्ट क्वार्टर में बना रहा हूं क्योंकि इंटरनल डिवीजन बोला है दिस इज द लाइन दिस इज एक्स एक्सेस एंड दिस इज वाई एक्सेस दिस इज द रुक गई क्या स्क्रीन रुक गई क्या एक मिनट चलो चलो तो जो लाइन है लाइन मेरी क्या करेगी कोऑर्डिनेट एक्सेस के बीच में इंटरसेप्टेड पोर्शन ठीक है तो मैं मान के चलो जो मेरी लाइन है ठीक है दिस इज लाइन है और इसको मैं फर्स्ट क्वार में ही बना रहा हूं थोड़ी देर में समझ में आ जाए ये मेरी लाइन है ठीक है ये जो लाइन है मान लेते हैं ये जो एक्स एक्सेस को कहां पर कट कर रही है एक्स एक्स को कट कर रही है पॉइंट ए पे तो y एक्सेस को कट कर रही है पॉइंट बी पे दिस इज दो ये जो है ये जो लाइन है बोला है कि लाइन आपकी जो है क्वारिनेट एक्सेस क्वारिनेट एक्सेस के बीच में ये मेरा इंटरसेप्टेड पोर्शन है ये इंटरसेप्टेड पोर्शन दिस इज द ए बी इज द इंटरसेप्टेड पोर्शन ये जो लाइन है ये मेरी क्वारिनेट एक्सेस के बीच में दिस इज द इंटरसेप्टेड पोर्शन इंटरसेप्टेड पोर्शन कट बाय द लाइन इन द इन द क्वारिनेट एक्सेस क्वारिनेट एक्सेस के बीच में ये इंटरसेप्ट पोर्शन कट किया अब इस इंटरसेप्टेड पोर्शन को एक पॉइंट है कौन सा पॉइंट है टू कॉमा सेवन ये इंटरनली डिवाइड कर रहा है तो एक पॉइंट है टू कॉमा सेवन द्वारा पॉइंट इज द टू कॉमा सेवन इस पॉइंट को मान लेते हैं पी एक पॉइंट पी है टू कॉमा सेवन ये इस इंटरसेप्ट पोर्शन को इंटरनली वन इज टू थ्री के रेशियो में कट कर रहा है ठीक है वन इज टू थ्री ठीक है ये पॉइंट पी जो है इस इंटरसेप्टेड पोर्शन को कितने रेशियो में कट कर रहा है वन इज टू थ्री तो इसको मैं वन मान लेता हूं वन इज टू थ्री के पोर्शन में वन इज टू थ्री के रेशियो में वन इज टू थ्री का मतलब हुआ कि दैट इज एपी एपी और लेंथ का जो रेशियो है वन इश टू थ्री है मतलब अगर ये एक यूनिट है तो ये तीन यूनिट है वैसे मैंने बनाया भी है तो क्वेश्चन में दिया है कि दैट इज एपी पीबी ये रेशियो वन इी है क्या मेरी बात क्लियर है अब देखो इसमें दो केस पॉसिबल है उसमें क्वेश्चन में ये नहीं दिया है कि जो पॉइंट टू कॉमर सेवन है वो यहां से वन इजू थ्री के रेशियो पर डिवाइड कर रहा है कि इस साइड से वन इश टू थ्री के रेशियो में तो दो केस बन सकते हैं पहला मैंने केस माना है, से के पे कर रहा है। और दूसरा केस भी हम डिस्कस करेंगे कर क्या मेरी बात क्लियर है उसने ये नहीं बोला है कि आपका जो है वन के रेशियो तो डिवाइड कर रहा है लेकिन कहां से इस साइड से वन इट टू थ्री है कि इस साइड से वन है? क्या मेरी बात क्लियर है कस्टूब किस साइड से वन थ्री के रेशियो पे डिवाइड करें ये नहीं बताया तो यह आप आपको देखना पड़ेगा पहला केस हम लोग कंसीडर का केस नंबर वन केस नंबर वन कि जो पॉइंट पी है इस इंटरसेप्टेड पोशन को That is, is के रेशियो डिवाइड करें लेकिन इस साइड से वन इज टू थ्री के रेशियो पर डिवाइड करा और दूसरा केस मानूंगा कि पॉइंट इस साइड से के रेशियो पर डिवाइड कर अब ये बताओ मैंने लाइन फर्स्ट क्वार्टर में क्यों मानी है क्योंकि जो पॉइंट है इंटरनली अगर मैं लाइन ऐसी बना देता तो टू कॉमर सेवन इस पोर्शन को एक्सटर्नली कट कर जाता यहां पर तो कटिंग ही नहीं होती पर यहां भी आप चुप करते यहां पर ऐसी लाइन बना देते तो टू कॉमर सेवन ये आपका इंटर सेक्शन पोर्सन को एक्सटर्नली कट करता इंटरनली बोला था क्या मेरी बात क्लियर है क्या मेरी बात क्लियर है यस सर अब यहां पर दो केस बनेंगे ठीक है तो पहले हम लोग मान रहे केस नंबर वन कि आपका जो पॉइंट पी है यहां से वन इज टू थ्री के रेशियो पे डिवाइड कर रहा है चलो अच्छे बताओ कस्तूब यहां पर देखो यस सर पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट दिए हैं ना यस सर पॉइंट पी इस लाइन सेगमेंट को वन इज टू सी के रेशियो में अगर मुझे पॉइंट ए और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट मालूम चल जाए तो क्या मैं पॉइंट बी निकल जाएगा यस सर निकल, निकल, निकल जाएगा दो अननोन दो कंडीशन फटाफट आपके दैट इज आंसर आ जाएगा ठीक है तो चलो हमें क्या करना लाइन की इक्वेशन निकालनी थी तो हम क्या करेंगे हमें लाइन की इक्वेशन बनाए तो मैं मान के चलता हूँ ये जो लाइन है सर एट एक्स की वैल्यू एट बाई आएगी ए की एक्स हाँ, की वैल्यू आपकी एट बाई थ्री आ रही है और वाई की वैल्यू आ रही है, yes, तो है ट्वेंटी एटी हाँ, <coughs> तो पर लेट कर रहे हैं लेट थीका? लेट ठीक है कर रहा हूं ये जो लाइन है तो यहां पर जो पॉसिबिलिटी है ना वो केवल एक ही है मतलब जो है लाइन ऐसी बनेगी तो जो इंटरसेप्ट होगा ए वो पॉजिटिव ही आएगा क्योंकि तो फर्स्ट क्वार्टन में ठीक है लेट ये जो लाइन है इसका एक्स एक्सेस इंटरसेप्ट मैंने माना है ए और इसका वाई एक्सेस इंटरसेप्ट माना है मैंने बी इस लाइन का हेलो इस लाइन का अगर आपने एक्स एक्सएस इंटरसेप्ट है y मैं वाई एक्सेस इंटरसेप्ट मान क्या इस लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो बिल्कुल लिख सकते हैं फॉर द इक्वेशन ऑफ द लाइन इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी लाइन की जो इक्वेशन होगी वो हो जाएगी एक्स बाई ए अगर मुझे किसी तरीके से और बी मालूम चल जाए तो क्या मेरी बात क्लियर है अब ये बताओ एक्स एक्सएस का इंटरसेप्ट ए है तो ये जो लाइन है वो एक्स एस को कहां पर कट करेगी एम जीरो पे और वाई में इंटरसेप्ट बी है तो कहां पर कट करेगी जीरो बी पे अब ये बताओ दैट इज लाइन सेगमेंट को पॉइंट पी जो है वन टू थ्री के रेशियो पर डिवाइड करता हूं मैं पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूं चलो निकाल देते हैं तो मैंने लिखा है जैसे इंटरफेक्ट माने सो दैट सो दैट द इक्वेशन ऑफ लाइन एक्स बाई ए प्लस वाई बाई इज इक्वल टू वन ए और बी निकालना दो नोन को निकालने के दो कंडीशन तो पॉइंट ए और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट मालूम है तो सेक्शन फार्मूला यूज करने वाले हैं सेक्शन फार्मूला पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए तो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट जब मैं निकालूंगा तो क्या आएंगे पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट हेलो एम एक्स टू प्लस एन डेट इज एक्स वन डिवाइडेड बाई एम प्लस एन ठीक है तो इसको लगा देते हैं सेक्शन फाइव में लगा रहा हूं तो ये मेरा जो है दिस इज एक्स वन मिनट तो इसको बेटा मैं एम मान रहा हूं इसको मैं एन मान रहा हूं एम के बगल वाला एक्स वन का वाई वन होता था एक्स टू तो एम एक्स टू तो कितना हो जाएगा बेटा दिस इज नथिंग बेटा एम एक्स टू एम एक्स टू प्लस इंटरनल है प्लस आएगा एन एक्स वन होल डिवाइडेड बाई एम प्लस एन और बेटा वाई कोऑर्डिनेट क्या आएगा एम वाई टू प्लस एन वाई वन डिवाइडेड बाई एम प्लस एन तो पॉइंट पी के जो कोऑर्डिनेट है वो आ जाएंगे दिस इज थ्री बाई ए डिवाइडेड बाई फोर और पॉइंट बी के आ रहेंगे बी बाई फोर लेकिन क्वेश्चन में बेटा तुम्हें पॉइंट पी के जो कोऑर्डिनेट दिए हैं पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट कितने दिए हैं टू कॉमा सेवन तो एक्स कोऑर्डिनेट इस पॉइंट पी के क्वार टू कॉमा सेवन तो एक्स दैट इज इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी टू के बराबर और इसकी वैल्यू किसके बराबर के साथ ये तुम्हें दिया हुआ है तो एक्स कोऑर्डिनेट कितने के बराबर चाहिए एक्स कोऑर्डिनेट टू के बराबर दिया है और वाई कोऑर्डिनेट तुम्हें सात के बराबर दिया तो यहां से ए की वैल्यू आ जाएगी ए की वैल्यू आ जाएगी आठ बटे तीन और बी की वैल्यू आ जाएगी ट्वेंटी एट तो लाइन की इक्वेशन ही निकालनी थी तो लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी द इक्वेशन ऑफ लाइन एक्स बाई ए एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू वन तो दिस थ्री एक्स बाई एट प्लस वाई बाई ट्वेंटी एट इज इक्वल टू वन ठीक है ये होगी अब केस नंबर टू है ये जरूरी थोड़ा है कि हमेशा वन टू का वन इज टू थ्री का इंटरनल डिवीजन यहां से दिया था यहां से भी हो सकता है वन इज टू थ्री ये वन यूनिट हो ये तीन यूनिट हो तो केस नंबर टू भी कंसीडर करना पड़ेगा केस नंबर टू तो दो आंसर आएंगे इसके केस नंबर टू एक मिनट जरूर इंटरनल डिवीजन is... है तो फर्स्ट क्वार आएगी जीरो पॉइंट ए पे कट कर, कर रही है पॉइंट बी पे कट कर, कर रही है अब ये जो पॉइंट है जो है वो इस इंटरसेप्टेड पोर्शन को वन इच टू तो थ्री तो मैं मान रहा हूं यहां से मान लो वन इच टू तो थ्री ये पॉइंट पी है जिसके क्वारिनेट है टू कॉमर सेवन और ये जो रेशियो है दैट इज वन इज टू थ्री के रेशियो पैसे भी तो डिवाइड कर सकता है बोला तो था इस के रेशियो पे डिवाइड करना सेक्शन को, तो कर दिया पता आपको दिया है दैट इज एपीजीवल टू थ्री टू वन और एक्स एक्सेस इंटरसेप्ट मैंने कंसीडर किया है लाइन का एक्स एक्सेस इंटरसेप्ट इज ए वाई एक्सेस इंटरसेप्ट इज नथिंग बट द बी तो लाइन की इक्वेशन एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी टू वन अगर एक्स इंटरसेप्ट तुम्हें मालूम है तो बेटा जो लाइन है वो एक्स एक्सेस को कट करेगी ए कॉमा जीरो पे और वाई एक्सेस को कट करेगी जीरो बी पे ठीक है और बस सेक्शन फार्मूला यूज करके फिर से पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट निकालने वाला हूं यूजिंग यूजिंग द सेक्शन फॉर्मुला पॉइंट पी के क्वारिनेट हम लोग निकालने जा रहे हैं ठीक है ये एम है थ्री इंटू बी प्लस वन इंटू जीरो प्लस वन और क्वेश्चन में पॉइंट पी का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो कितना दिया है टू अभी निकाल लेते हैं एंड और बेटा आपको एक्स कोऑर्डिनेट कितना दिया है बेटा पॉइंट पी का जो कोऑर्डिनेट है एक्स कोऑर्डिनेट टू दिया है और वाई कोऑर्डिनेट आपको चाहिए सेवन तो ए की वैल्यू क्या होगी ए बाई फोर की वैल्यू टू चाहिए और थ्री बी बाई फोर की वैल्यू सेवन तो a इक्वल टू कितना जाएगा आठ और b इक्वल टू हो जाएगा 3. तो अट्ठाइस एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बीवल टू वन ए की वैल्यू है बेटा आठ बी की वैल्यू है अट्ठाईस बटे तीन तो एक्स बाई एट प्लस थ्री वाई बाई ट्वेंटी जी आपकी क्वेश्चन तो दो आंसर इसके सही हैं ठीक है दो आंसर आपके सही है ठीक है चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कल करवाता हूं जो है ठीक है कल हमारे एक और फॉर्मेट रह जाएगा उसके बाद हम लोग जो है कुछ चीजें देखते हैं जो ठीक है तो आज के लिए इतने रखते हैं थैंक यू वेरी मच रिवाइज करके आइएगा थैंक यू सर चलो वेलकम सर।